आप सब लोग दुनिया के अनेक देशों में सेटल हुए, आपके पास जब हमारे पास कम्युनिकेशन का दौर नहीं था और कम्युनिकेशन सेंसर्ड होके आता था, चाहे वो अखबार हो चाहे वो रेडियो हो, कुछ लोगों का उस इंफॉर्मेशन के ऊपर एक कब्जा था उस वक्त। Can I take 1 minute? See, I'm using this for the first time. So my difficulty is, this is a web conference, but the voice is not coming. It's very low. So is there any way how we can increase the voice? Is there way or any idea? Voice is very low. You people are getting my voice clear or? Yes, sir, we are listening. We are. Yeah, we are able to hear you. We are able to hear you. It is very slow. Voice is very slow. So, it can depend on your network, but we are hearing very good. Okay, so should I continue? Yes, please. Continuously, voice is coming. Continuously, voice is coming. Admins can mute. Admins can mute everyone from their end. Yes. Please. Okay. Let's start. तो मैं ये मानता हूँ कि जो भूमि तैयार की थी इस बेस को, नेक्स्ट जनरेशन को हमको ये बैटन देना है। इसलिए 47 में क्या हुआ, 47 के बाद क्या हुआ, कौन कैसे प्रधानमंत्री बना, मैं समझता हूं कि पूरा देश जानता है। और भारत के जो एक्सटर्नल खतरे हैं, जिन्हें हम बाहरी खतरे कहते हैं, वो आपको भी पता है और मुझे भी पता है। Somebody is constantly speaking. I don't know who is. Yes, I already moved the people whose background is not clear to lobby, so they won't be joining. So sorry, I already moved them out. So okay. तो मैं मानता हूँ कि जो भारत के सामने external challenges हैं, जो बाहरी खतरे हैं, वो दुनिया के सामने हैं, उसमें कोई भी चीज छुपी हुई नहीं है। लेकिन दुनिया का ये एक ऐसा देश होगा जो शायद अपनी इस सो कॉल्ड आजादी से लेकर के 2020 तक और आज और मेरे आपके बीच में जब ये बातचीत हो रही है, इस देश में बाहरी खतरों से 1000 गुना आंतरिक चुनौतियां और खतरे हैं, और इस देश के नागरिकों से हैं, इस देश की व्यवस्था में बैठे हुए लोगों से हैं, इस देश की न्यायपालिका से हैं, इस देश की संसद में लोगों के बैठे होने के कारण खतरे हैं। तो ये जो खतरे हैं, इनका सामना न सेना कर सकती है, न इनका सामना पुलिस कर सकती है, न इनका सामना सत्ता कर सकती है। तो मेरा अपना एक्सपीरियंस ये कहता है कि जो आंतरिक चुनौतियां हैं, वो क्या चुनौतियां हैं, क्या भारत का आम नागरिक या दुनिया भर में भारत वंश के फैले हुए लोग, क्या उनको चुनौती मानते भी हैं या नहीं मानते हैं, या उनको लगता है कि ये कोई बड़ी चुनौती नहीं है। मेरा अपना मानना है कि आज भारत को, चाहे वो चीन हो, चाहे वो एक छोटा सा देश पाकिस्तान हो या दीगर और मुल्क हो, भारत को कोई विदेशी शक्ति भारत को कमजोर नहीं कर सकती। भारत के सामने उसका कोई कद नहीं है, भारत के सामने वो ठहर नहीं सकती। आज भारत जिन खतरों से, जिन चुनौतियों से भारत के अंदर है, उसका जिक्र हमारे यहां राजनीतिक लोग अपने स्वार्थों, अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट के कारण नहीं करते, और समाज एक तरीके से इग्नोरेंट रहना चाहता है, समाज उनसे कन्फ्रंट नहीं करना चाहता। लिहाजा मैं ये मानता हूं कि ये देश की सत्ता बदली, इस देश की व्यवस्था में बदलाव आ रहा है, इस देश को चारों तरफ से कैसे सिक्योर किया जा रहा है, ये सरकार कर रही है, ये राज्य सरकार का काम है। लेकिन धीरे 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 ये देश अंदर से इसको दीमक खा रही है,
और वो दीमक हमको भारतीय इतिहास में, साहित्य में, हमको संगीत में, हमको भाषा में, हमको राजनीति में, यानी जीवन के जितने भी डायमेंशंस हो सकते हैं उसके अंदर भारत नहीं दिखता है, उसके अंदर एंटी भारत फोर्सेस मजबूत हैं या उनको 70 सालों में मजबूत किया गया है, और आज उनकी ताकत स्टेट से ज्यादा है। आज उनको इतने लोगों की मदद मिल रही है, इंटरनली भी मिल रही है और बाहर तो दुनिया से मिलती ही है, लेकिन आज भारत का न्यायपालिका जुडिशरी, आज भारत का संविधान, आज भारत की पुलिस, आज भारत की सरकार भी यकायक सब नहीं कुछ कर सकती, लेकिन अगर धीरे धीरे ये जागृति आए, ये अवेयरनेस आए, अगर लोग उन खतरों को खतरा समझें और उनको उसकी रेमेडी के तौर पर लें, तो मैं सबसे बड़ा खतरा ये मानता हूं कि आज हमारे देश में जो नरेटिव क्रिएट किए गए पिछले 70 सालों में, उन नरेटिव्स को किस एजेंडे के तहत क्रिएट किया गया, उन नरेटिव को एक ऐसे तरीके से आपके बीच में रखा गया कि आपने न तो साहित्य को देखा, न इतिहास को देखा, न फ्रीडम मूवमेंट को देखा, और आपने उनके नरेटिव में उस झूठ को, उस फ्रॉड को, उस मिस इंफॉर्मेशन को आगे बढ़ा के और मजबूत किया। सत्ताएं आई, सत्ताएं गई, कभी एक सत्ता विचारधारा की आई, कभी राइट सेंट्रिस्ट आई, कभी लेफ्ट सेंट्रिस्ट आई, कभी वामपंथी आए, कभी मिलीजुली सरकारें आई। सरकारों ने अपनी राज सत्ता को चलाने के लिए उस व्यवस्था में, इस समाज के अंदर ऐसी ऐसी चीजें डाली जिससे ये हुआ कि जो पॉलिटिकल स्लोगन थे वो समाज ने सच समझ करके, समाज ने अपने अंदर उनको एब्जॉर्व कर लिया, सत्ताएं चली गई, इसलिए वो नरेटिव आज भी हमारे बीच में है। और जब हम उनको देखते हैं कि हमारी पीढ़ी, आज के दौर के युवा, वो क्यों भटक रहे हैं, उनको कौन मिसगाइड कर रहा है, किस तरीके से वो अपने देश की संस्कृति, अपनी भाषा, अपनी वेशभूषा, अपने साहित्य, अपने कल्चर के खिलाफ वो क्यों खड़े हो जाते हैं, तब ये लगता है कि एक कोशिश निरंतर जारी रही और उस कोशिश को हमारा समाज, ये समाज सत्ता के पीछे लग गया। यानी हमारे यहां जो भी हम ये कहें कि जो समाज है वो पूरी तरीके से पॉलिटिकली ड्रिवन हो गया। उसको लगता था कि राज सत्ता के साथ नजदीकी, राज सत्ता से कुछ प्राप्त करना ही उसका ध्येय, उसका एम, उसका टारगेट हो गया। लिहाजा उसने समाज को छोड़ करके, राष्ट्र को छोड़ करके राज सत्ताओं को मजबूत किया, राज सत्ताओं ने उन्हें इस्तेमाल किया और आज वो लोग एक ऐसी ताकत में पहुंच गए हैं कि जब आप इस राष्ट्र के बारे में कुछ भी बोलते हैं तो वो ताकतें पिछले 70 सालों में विदेशी चंदों से, विदेशी रिसोर्सेज से इस देश में एक ऐसी ताकत बन गए हैं जिससे आम भारतीय, मैं और आप और मेरे साथ देश भर में, कर्नल आर एस सिंह साहब हो, जी डी बख्शी साहब हो, सुशील पंडित हो, ललित अंबरदार हो, अंकुर शर्मा साहब हो, प्रोफेसर कपिल कुमार हो, जनाब कैप्टन रिजवी साहब, ये तमाम सारे लोग लड़ रहे हैं, लेकिन हम भी हर दिन हजारों चुनौतियों का, धमकियों का सामना करते हैं। और आज हम सब कोई, हमारी कोशिश क्या होती है कि हमारा एक समाज है जो ये समझता है कि अब सरकार आ गई है और सरकार सब कुछ करेगी, लिहाजा हमारे समाज ने पूरे के पूरे, वो किसी उम्र का हो, किसी विचारधारा को हो, उसने ये समझा कि सरकार आएगी और सरकार का जिम्मेदारी है सब कुछ करे। सरकार आती है, कानून बनाती है, लेकिन कानून जमीन पे तभी लागू होता है जब समाज तैयार होता है। पुलिस नहीं लागू करती, सरकार नहीं लागू करती, और हम तो 1000 साल की तकरीबन जो गुलामी है या विदेशी आक्रांताओं के बीच में रहे, तो हम तो अपना पुरुषार्थ, अपना आत्मसम्मान, हमारा क्या इतिहास था, हमारा गौरवपूर्ण इतिहास में कौन कौन हमारे आइकॉन थे, वो सब भूल गए हैं। झूठे, कमजोर, बौने, लालची और कायर लोगों को हमारा हीरो बना दिया गया।
और जो हीरो थे उनका ना इतिहास बताया गया बल्कि उनका इतिहास दबा दिया गया। लिहाजा आज की जो सबसे बड़ी समस्या है कि हम हजारों साल पुरानी संस्कृति, सरोकारों के मानने वाले, आस्था के मानने वाले, परंपराओं के मानने वाले लोग, हम ये समझते हैं कि भारत 1947 में पैदा हुआ है और 1947 के बाद के भारत को शायद दुनिया जानती है। लेकिन आप जर्मनी में बैठे हैं, नीदरलैंड में बैठे हैं, पटना में बैठे हैं, स्वीडन में बैठे हैं, नेपाल में बैठे हैं, भारत को दुनिया हजारों साल पुरानी संस्कृति से जानती है, इनके उस ज्ञान से जानती है जिस ज्ञान को हमारे पूर्वजों ने दुनिया को दिया था। भारत को आज दुनिया जानती है कि जिस भारत का विश्व की GDP के अंदर 33% कंट्रीब्यूशन था। हमने गणित में क्या दिया, साइंस में क्या दिया, लेकिन धीरे 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 हम राज सत्ताओं के पीछे जाने लगे और राष्ट्र की क्या भूमिका होनी चाहिए, समाज की क्या भूमिका होनी चाहिए, उनको छोड़ करके जब हम राज सत्ता के पीछे लगे तो हम अपनी पहचान खोने लगे और हमारे देश के ऊपर लुटेरों ने, गुलामों ने, बौनों ने राज किया और उन्होंने राज करके चले गए। लेकिन जब 1947 को भारत सो कॉल्ड तरीके से आजाद भी हो गया, तब भी जो हमें इतिहास पढ़ाया गया, जो हमें साहित्य पढ़ाया गया, जो हमें भाषाएं बताई गई, जो नरेटिव और नारे बताए गए, उसमें भी इतना जबरदस्त हमारे आने वाली जनरेशनों को पिछले 70 साल में ब्रेन वॉश हो गया। और आज एक बहुत बड़ा वर्ग इस देश में उन झूठ को ही सच मानता है और एक बहुत बड़ा रिलीजन उन झूठ के सहारे ही आपको कॉर्नर करता है। हमारे सामने जो चुनौती है वो ये है कि जो झूठ आपके जहन पे, बच्चों के जहन पे है, उसको मिटाना और सही नरेटिव और सही तथ्य को देना, ये सबसे डिफिकल्ट काम होता है। लिहाजा जब भारत के अंदर हाल में जब सत्ता का परिवर्तन हुआ, तो सत्ताओं के परिवर्तन तो इस देश में 1947 से लेके अब तक दसियों बार हो चुके, लेकिन फिर क्या ऐसी वजह है कि जब इस बार सत्ता का परिवर्तन हुआ तो दुनिया भर में खलबली मची हुई है, दुनिया भर के देशों में एक खास किस्म का जिज्ञासा है, हर कोई जानना चाहता है क्यों वो तमाम सारी ताकतें जो अब तक उन झूठे नारों और नरेटिव पे बहुत जिंदा थी, क्यों उन्हें लगता है कि भारत टूट जाएगा, भारत के अंदर अनार्की होने वाली है, भारत में डेमोक्रेसी समाप्त हो गई है, भारत में मीडिया का सारा हमने उन पे बैन लगा, ये कौन ताकतें हैं जो इस नरेटिव को बनाना चाहती, ये वो ताकतें हैं जिन्होंने 1975 में मीडिया को समाप्त कर दिया था लेकिन कोई नहीं बोला, ये वो देश है जहां किसी को बगैर बताए हजारों लाखों लोगों को जेलों में बंद कर दिया गया था तब इस देश में खतरा पैदा नहीं हो रहा था। इन तमाम ताकतों ने धीरे धीरे भारत को आज एक ऐसे मोड़ पे खड़ा कर दिया है कि जहां तक मेरी जानकारी है, जहां तक मेरा मूवमेंट है, जहां तक मेरी रीच है, मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि भारत आज 1946 और 47 के मुहाने पे खड़ा हुआ है। फर्क सिर्फ इतना ही है कि सरकार की जो जिम्मेदारी है वो सरकार कर रही है, लेकिन क्योंकि इतने सालों के बाद पहली बार हमें ये बोध होता है कि जो सरकार आई है, ये सरकार जो राष्ट्र, जो नेशन होता है, उस नेशन को चलाने के लिए एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट होता है, उसे सरकार कहते हैं। ये पहली बार हमें बोध हो रहा है, लेकिन अभी इतने समय निकलने के बाद हमको लगा कि सरकार हमारी आई है, हमने बनाई है, हमने सड़क, पानी, बिजली के लिए सरकार नहीं बनाई है, हमने बड़े बड़े हवाई जहाज चलाने के लिए सरकार नहीं बनाई है, हमने भारत की हजारों हजारों साल पुरानी सभ्यता, परंपरा, आस्थाओं और सरोकारों को स्थापित करने के लिए सरकार बनाई है। लिहाजा इस सरकार से हमारी ये कोई अपेक्षाएं नहीं है कि ये सरकार कितने जहाज उड़ाती है, एडमिनिस्ट्रेटिव फैसले क्या लेती है, हमारा उसमें बहुत इंटरेस्ट नहीं है। हमारा इसमें इंटरेस्ट है कि क्या 1947 में जो भारत अंग्रेजों ने हमें दिया था, जो टूटा फूटा दिया था, जो विभाजित दिया था, क्या हम आज उस भारत को भी उसमें भारतीयता जगा पाए, क्या भारत की संस्कृति स्थापित कर पाए, क्या भारत के सरोकार स्थापित कर पाए, क्या भारत की आस्थाओं को मजबूत कर पाए, क्या भारत की परंपराओं को मजबूत कर पाए, हमारा चैलेंज यह है। इसलिए भारत के अंदर जिन लोगों ने भारत का विभाजन किया,
आप तमाम सारे लोग एनलाइटन लोग हैं, दुनिया भर के देशों से आप जुड़े हुए हैं। आप जरा सोचिए कि अगर 70 साल कोई झूठ आपने सीख लिया है, 70 सालों तक आपने कोई झूठ पढ़ लिया है, तो यकायक भी कोई आपको बताएगा तो आपको यकीन नहीं होगा। इसलिए आज हमारे घर में ही आर्गुमेंट हो रहा है, लोग जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, क्योंकि इस संचार क्रांति ने मेरे और आपके बीच में फासला इतना कम कर दिया है कि यहां नेपाल और स्वीडन से, इटली से लोग बैठ के मुझे रूबरू सुन सकते हैं। लेकिन मैं ये मानता हूं कि इसका सबसे ज्यादा प्रयोग, अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे, तो ये आधुनिक क्रांति भारत में नहीं, ये आधुनिक क्रांति जो आई है संचार, ये भारत के सनातनी समाज की संस्कृति, परंपराओं, आस्थाओं और सरोकारों को स्थापित करने के लिए पूरे विश्व में जो भी सनातनी है उससे जोड़ने, उसके बीच में विचारों का आदान प्रदान करने के लिए आई है। हमारे लिए ये सबसे बड़ी गिफ्ट है। दुनिया इसका क्या प्रयोग करती है मैं नहीं जानता, लेकिन सनातनियों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हजारों हजारों साल से हमें ऐसी ऐसी बातें बताई गई जिसके बारे में हमें ज्ञान नहीं था। अब जैसे जो नरेटिव हुए, तो उन नरेटिव के बारे में मैं आपको कहना चाहता हूं। आज भी रमेश जी, आज भी संगीता जी, हम ये बोलने से पहले न सोचते हैं और न कहीं हम इसका, ये हमारे दिमाग की मेमोरी में जाता है कि हम बोलने क्या जा रहे हैं। लेकिन क्योंकि हमने इतना झूठ पढ़ लिया है और हमारे बुजुर्गों ने हमें वो झूठ पढ़ाया है, सरकारों ने हमें सुबह शाम ये घुट्टी पिला दी है, इसलिए हमारे अंदर पुरुषार्थ समाप्त हो गया है, सच बोलने और सुनने की शक्ति समाप्त हो गई है, और हम झूठ बोलते और सुनते सुनते इतने झूठ के आदि हो गए हैं कि कोई हमें सही बात भी बताता है तो हम कहते हैं नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि जब आप सच बोलेंगे और उस झूठ को, 70 साल के झूठ को नकारेंगे, तो आपको उससे लड़ने के लिए बाहर आना पड़ेगा। तो हम किसी तरह न लड़े और हमारी लड़ाई कोई और लड़े। हम अपने घर में भगत सिंह की तस्वीर लगाएं, लेकिन भगत सिंह पड़ोसी के यहां पैदा हो, हमारा बेटा भगत सिंह, सावरकर और शिवाजी न बने, हमारा बेटा बोस न बने। ये मानसिकता ने हमें ऐसा कर दिया है कि हम कोई काम खुद नहीं करना चाहते, जो काम हमें भी करना है वो भी हम सरकारों से चाहते हैं, गृह मंत्रालय से चाहते हैं, पुलिस से चाहते हैं। लेकिन दुनिया में जो ताकतें हैं वो न पुलिस की सुनती है, न सेना की सुनती है, न भारत की जुडिशरी की सुनती है, न संविधान की सुनती है, न संसद की सुनती है। तो आज पूरी दुनिया के अंदर वो ताकतें किस तरीके से, चाहे वो इंग्लैंड हो, अमेरिका हो, जिस तरीके से वो ताकतें तोड़ फोड़ और भीड़ तंत्र में यकीन रखती हैं, न उनके लिए संविधान है, न उनके लिए कोई कानून है। ऐसे में आप हजारों साल की परंपराओं, ये आइडियलिज्म और ये जब ही चलेगा, जब तक समाज आइडियल हो मेरा मानना हो मेरा मानना है। हेलो, इको साउंड आ रही है सर। कहते हैं जर्मनी में एक व्यवस्था है, एक कानून है, एक सिस्टम है कि आप ये करेंगे तो आप पे फाइन लगेगा, ये नहीं करेंगे तो आप पे फाइन नहीं लगेगा। लेकिन भारत के अंदर आदर्श स्थिति नहीं है, आइडियल स्टेट नहीं, कानून का कोई राज नहीं है, यहां भेड़ चाल है। लिहाजा आप कुछ लोग नेशनल हाईवे को घेर के बैठ जाएंगे तो आप उनको नहीं हटा सकते, क्योंकि वो माइनॉरिटी में है, लिहाजा उनको हटाने के लिए आपको कुछ और करना पड़ेगा। कश्मीर में फौज पे पत्थर मारे जाएंगे तो सेना उन पे गोली नहीं चलाएगी, क्योंकि जो पत्थर मारने वाले हैं वो मुसलमान आतंकवादी कश्मीरी हैं।
दिल्ली में शाहीन बाग में मुसलमान एक संसद द्वारा पारित और राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर करने वाले कानून के खिलाफ बैठ जाएंगे, लेकिन आप उन्हें हटा नहीं सकते हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि उनका अधिकार है। लेकिन यही सुप्रीम कोर्ट जब कोई दूसरे वर्ग का आदमी कहीं बैठता है तो आनन फानन में फैसला लेता है। लिहाजा एक एक वर्ग ने जो 20 से 25 करोड़ इस देश में इस्लामिक है, उन्होंने इस भारत की व्यवस्था को पंचर कर दिया है। कोई सिस्टम आपके यहां नहीं चल रहा, हाल के दिल्ली के दंगे हो, बंगलोर के दंगे हो, एक तरफा इस देश के अंदर राज चल रहा है और सरकारें आई और सरकारों ने किस किस तरीके के पाप किए उसका भी एक नजारा आप देखिए। जब सरकार भारत में बदली तो आप सोचिए कि हमारे देश में जो संविधान है जिसे भारत का कम से कम हर सनातनी हिंदू और पारसी और सिख और बौद्ध और जैन मानता है, लेकिन एक वर्ग है जो 25 से 30 करोड़ है वो भारत के संविधान को जब ही मानता है जब वो उनको सूट करता है। इसलिए हमारी सरकारों ने हमारे आने से पहले इस देश के संविधान की जो उसकी रूह है, जो उसकी सोल है, जो उसकी आत्मा है, उसके खिलाफ जाकर के, उन प्रावधानों के खिलाफ जाकर के भी इस देश में मुसलमानों को पाकिस्तान देने के बाद जो यहां रह गए उनके लिए विशेष प्रावधान कर दिए हैं और वो इलीगल तरीके से किए हैं, वो लीगलाइज तरीके से नहीं किए गए, वो संसद में पारित करके नहीं किए गए। लेकिन अगर आज उन पे आप सवाल पूछेंगे तो लोग खड़े हो जाएंगे कि भाई अब ये आप क्यों कर रहे हैं। तो 47 और 46 की जो मैं स्थिति कह रहा हूं वो इसलिए कह रहा हूं कि आज इस देश के अंदर 500 से ज्यादा पाकिस्तान बन चुके हैं। हम एक सनातनी समाज, जब तक हमारे सामने कोई बड़ा विस्फोट ना हो जाए तब तक शायद हमें इग्नोर करने की, उस तरफ न देखने की एक बीमारी और एक आदत पड़ चुकी है। इसलिए मैं मानता हूं कि आज हमारे देश में इस्लामिक जिहाद, इस्लामिक आतंकवाद पूरे चरम पर है, पूरे चरम पर है, इट्स इन क्लाइमेक्स पर है। लेकिन चूंकि सरकार में कुछ लोग आए हैं तो दिखता थोड़ा कम है, लगता थोड़ा कम है। इसलिए जहां जहां पर भी आप देखें वहां स्थिति इतनी भयानक हो चुकी है कि आपको जमीनी स्थिति यह है कि आप इस देश में एक ईमानदार आदमी होकर के, एक टैक्स पे होकर के भी इस देश की व्यवस्था आपके साथ नहीं खड़ी हो रही, इस देश की पुलिस आपके लिए नहीं खड़ी हो पाती है। पुलिस के ऊपर दबाव है और पुलिस के अंदर भी ऐसे ही बहुत सारे लोग गए हैं जिनको ये सब लगता है कि नहीं 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 ये सब नहीं होना चाहिए, इसको भी रखो उसको भी रखो। अरे रखो ना, तो संविधान को मानने वाले लोग हैं, ना संसद को मानने वाले लोग हैं, ना कानून को मानने वाले लोग हैं। लिहाजा संविधान में जो प्रावधान है जब भी आप उनके बारे में बात करेंगे तो 25 से 30 करोड़ लोग यहां खड़े हो जाएंगे और वो कहेंगे कि दुनिया इधर से उधर हो जाए हम ये होने नहीं देंगे। और वो कभी कोई पीसफुल डेमोंस्ट्रेशन नहीं करते हैं, वो इस देश के सिस्टम को जाम कर देते हैं और हम खामोश बने रहते हैं। तो भारत की संसद भी कुछ नहीं कर पाती, भारत की न्यायपालिका भी कुछ नहीं कर पाती। तो चुनौतियां ये हैं कि क्यों आजाद भारत के अंदर जिस संविधान को बीआर अंबेडकर जी ने बनाया था, उस संविधान में जब ये चर्चा हुई कि इसमें क्या इसे सेकुलर बनाया जाए तो बीआर अंबेडकर जी ने कहा कि इसकी जरूरत क्या है, भारत की धरती में सेकुलरिज्म है और आने वाली जनरेशन तय करेंगी कि इसकी जरूरत है या नहीं है, हम आज से क्यों उनके ऊपर थोपे। लेकिन 76 में जब भारत के तमाम बड़े नेता जेलों में थे, 42nd अमेंडमेंट रातों रात किया गया और आपने भारत के प्रियम्बिल के अंदर, हमने दुनिया में यह तो सुना है कि जो आपका संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन या आइन होता है उसमें अमेंडमेंट होते रहते हैं समय समय पर, लेकिन प्रियम्बिल में चेंज नहीं होता। लेकिन भारत के प्रियम्बिल में सोशलिज्म और सेकुलरिज्म शब्द डाला, ये महत्वपूर्ण इसलिए आप ये सोच सकते हैं कि भाई ये सेकुलरिज्म से हमें क्या फर्क पड़ने वाला है। सेकुलरिज्म के नाम पर इस देश में जो हुआ उसका उसका भुगतान ये देश आज भुगत रहा है। सेकुलरिज्म के नाम पर एक झूठी बात कही गई कि जो हमारा सिस्टम है, जो सरकार है वो सेकुलर होगी। आप सब जानते हैं, रमेश जी जैसे लोग बैठे हैं, संगीता जैसी लोग बैठे हुए हैं, आप समझ सकते हैं कि सेकुलरिज्म तो एक वेस्टर्न कंसेप्ट था क्योंकि वेस्ट में सरकारें चर्च से चलती थी,
तब ये हुआ कि जो चर्च से सरकारें चलती हैं, ये कहीं ऐसा ना हो कि जो लोग चर्च को नहीं मानते हैं, जो लोग उस क्रिश्चियनिटी को नहीं मानते हैं, कहीं सरकारें उनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन ना करने लगे। लिहाजा सरकार का कोई मजहब नहीं होगा, सरकार चर्च से नहीं चलेगी, बाकी समाज का मजहब होगा, धर्म होगा, बिलीफ होगा, फेथ होगा, लेकिन सरकार का कोई नहीं होगा। तो ये वेस्टर्न कंसेप्ट था, लेकिन भारत में अनादिकाल से हजारों हजारों सालों से राजा का कोई मजहब नहीं होता था, राजा का धर्म होता था। और आज पूरी पीढ़ी को, सबको यह बता दिया गया कि सारे धर्म बराबर हैं। धर्म और मजहब में जमीन आसमान का फर्क है। मजहब रिलीजन का ट्रांसलेशन है, लेकिन रिलीजन का ट्रांसलेशन हिंदी में मजहब धर्म नहीं है। धर्म हमारे शास्त्रों में, उपनिषदों के अंदर हम जब उनको पढ़ते हैं तो धर्म का मतलब होता है हमारी ड्यूटी, हमारा दायित्व, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो राजा का धर्म होता है, राजा का मजहब नहीं होता। लिहाजा जब आपने हमारे देश में 76 में यह कहना शुरू करा कि सारे धर्म बराबर हैं, तो हमारे जनमानस ने, एक आम बच्चे ने, सबने ये समझा कि सारे धर्म बराबर हैं, इसका मतलब इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, बौद्ध, ये सब बराबर हैं, हमें इसमें फर्क नहीं करना चाहिए। लेकिन मेरा कहना यह है कि आप तुलना, कंपेरिजन घोड़ों के अंदर करेंगे कि गधे और घोड़ों पे इकट्ठा एक साथ करने लगेंगे। तो धर्म और मजहब और रिलीजन की तुलना या उनका कंपेरिजन हो ही नहीं सकता। धर्म साइंस पे आधारित है, धर्म ड्यूटी पे आधारित है, और मजहब की कोई किताब है, उस किताब में कुछ लिखा है, मजहब का कोई पैगंबर है, मजहब किसी दिन पैदा हुआ है, मजहब का एक एक, एक फॉलोइंग है। तो मजहब और धर्म में फर्क है। तो वो जो वेस्टर्न कंसेप्ट था उसमें कहा गया कि राजा का कोई मजहब नहीं होगा, तो समझ में आता था। लेकिन भारत में जब सेकुलरिज्म का शब्द भारत के संबंध उसमें डाला गया प्रीएम्बल के अंदर, तो उसका जानबूझकर, बहुत सोच समझ कर इंटेलेक्चुअल्स ने और पॉलिटिशियंस ने उस सेकुलरिज्म शब्द का ट्रांसलेशन धर्म निरपेक्ष करा, जो कि गलत है, साहित्यिक तौर पर गलत है, टेक्निकली गलत है, लीगली गलत है। धर्म निरपेक्ष का मतलब बता दिया गया कि हमारा कोई धर्म नहीं होगा। तो मैं तो कहता हूं ओपनली कि जिस वक्त इस पे डिबेट चल रही थी, तो एलएम सिंघवी साहब, जो देश के जाने माने बहुत बड़े विद्वान थे, इंग्लैंड में वो भारत के उच्चायुक्त भी रहे, उन्होंने कहा कि जिस दिन राजा का भारत में धर्म नहीं होगा तो अनार्की फैल जाएगी, अराजकता हो जाएगी। इसलिए सेकुलरिज्म का ट्रांसलेशन धर्मनिरपेक्ष नहीं हो सकता। लेकिन किसी एजेंडे के तहत, कोई राजनीतिक मंशा के तहत आपने भारत के सनातनियों को कहा कि कोई धर्म नहीं होगा, तो राजा का भी कोई धर्म नहीं है और समाज का भी कोई धर्म नहीं है। मैं कहता हूं भारत का राजा हजारों हजारों साल से, आप किसी भी दौर में देख ले, राजा का अपनी प्रजा के प्रति जो दायित्व होता था, जो धर्म होता था, एक राजा का धर्म है कि वो अपनी प्रजा का ध्यान रखे, उसकी वेलफेयर का ध्यान रखे। एक पिता का धर्म है कि वो अपने बच्चों के प्रति क्या करता है, एक माता का अपने प्रति बच्चों के प्रति क्या धर्म है, ये ड्यूटी है, ये रिलीजन नहीं है। लिहाजा कहा गया सारे धर्म बराबर है, और जब सारे धर्म बराबर है तो आपने घोड़ों को गधों की बराबरी में खड़ा कर दिया, तो संकट यहां से शुरू हुआ। इसलिए आप देखें कि कुछ नैरेटिव अजीबोगरीब चले, एक और नैरेटिव चला, ये गंगा जमुना तहजीब है। ये गंगा जमुना तहजीब क्या चीज थी भाई? हमारी तो हजारों साल की परंपरा थी, हमारी तो हजारों साल के इतिहास था। तो भाई ये 600-700 साल पहले जो लोग आए, औरंगजेब आया, बाबर आया, अकबर आया, शहनशाह आया, ये तमाम सारे लोगों की तहजीब से हमारा क्या लेना देना है? ये तो लुटेरे थे, लूटने आए थे, लूट के चले गए। लेकिन कोई वजह रही होगी, भारत की सत्ताओं की मजबूरी रही होगी कि उनके जाने के बाद इस देश में जितने भी अंग्रेजों के नाम की सड़कें थी वो बदल दी गई, इस देश में जितने भी अंग्रेजों की मूर्तियां लगी थी उन सबको हटा दिया गया, लेकिन भारत में मुगलों के नाम से सड़कें रखी गई, भारत में मुगलों के मकबरे, उनकी खबरें हैं, उनके किले हैं। तो आपने एक पीढ़ी को, एक कंटिन्यूस 1947 से लेके आज तक जो बच्चा ये पढ़ता है कि जो विदेशी लोग आए थे उन्होंने हमारे पूर्वजों को लूटा, इस देश को लूटा, जिसकी संस्कृति नष्ट की, यहां के मंदिरों को नष्ट किया,
वही बच्चा ये सवाल पूछता है कि अगर वो लुटेरे थे, प्लंडर्स थे, तो फिर आज उनके नाम से इस देश के अंदर सड़कें क्यों बनी हुई हैं, बड़ी बड़ी इमारतें क्यों बनी हुई हैं, आज उनके मानने वाले ये कौन लोग हैं जो उनके बिहाफ पे राम मंदिर के मुद्दे को उठाते हैं, आज बाबर के कौन यहां वारिस हैं जो राम मंदिर जिस बाबर ने 1528 में तोड़ा था उसकी वकालत अदालत में क्यों कर रहे हैं ये लोग, इनका बाबर से क्या संबंध है? अगर ये इनका बाबर से संबंध नहीं है तो फिर इस देश में जो 30,000 मंदिर तोड़े हैं उसमें काशी भी है, उसमें मथुरा भी है, उसमें अयोध्या भी है, उनकी पैरोकारी करने के लिए यहां के मुसलमान क्यों आगे आते हैं? क्या ये उनके वंशज है? क्या ये उनके माता पिता, बाबर इनका बाप था, औरंगजेब इनके पिता थे? तो ये बात हमने नहीं समझाई और हम इस कंफ्यूजन में है। तो आज हमारी लड़ाई जो है, समाज की लड़ाई जो है, कि जिस तरीके से हम हमारे देश में जिहाद की फैक्ट्री चलाई जा रही है, जिस देश के अंदर कश्मीर जैसा एक राज्य जहां मुसलमानों की मेजोरिटी थी वहां का संविधान अलग था, वो भारत विरोधी संविधान था, वहां सारे प्रोविजन भारत के विरोध में थे, तो आपकी सरकारें आई और उसके बाद में उन प्रोविजन को हटाने में ही समय लग रहा है। और भारत के संविधान में लिखा हुआ है 42nd अमेंडमेंट जब हुआ 1976 में, उसमें कहा कि भारत की सरकारों को नेशनल पॉपुलेशन कंट्रोल करना चाहिए, उन्होंने कहा यूनिफॉर्म सिविल कोड करना चाहिए, लेकिन 76 में ये सेकुलर देश ने आज तक उस इश्यू पे कभी हाथ नहीं डाला, लेकिन 76 में ये देश सेकुलर हुआ, लेकिन 93 में इस देश में एक फ्रॉड हुआ और मुसलमानों को खुश करने के लिए आपने नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज बना दिया, हजारों हजारों करोड़ों रुपए हमारा जाता है और वह एक्सक्लूसिव। 1993 में आपने माइनॉरिटी कमीशन बनाया और 2006 में आपने माइनॉरिटी मिनिस्ट्री बना दी। ये देश सेकुलर है, ये संविधान सेकुलर है, लेकिन माइनॉरिटी कमीशन भी है, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड भी अलग से बना हुआ है, हज कमेटी जो है उसे भी संवैधानिक दर्जा मिला हुआ है, मुस्लिम एजुकेशन बोर्ड उसे भी संविधान से अलग दर्जा मिला है, वो भी आपने बना दिया। तो ये आपने बोर्ड बना दिया, तो ये आपने कैसा देश बनाया कि देश को सेकुलरिज्म से चलाया, तो आपने ये नाजायज चीजें खड़ी कर दी और मेरे और आपके टैक्स से करोड़ों करोड़ों रुपया आप एक खास मजहब के लोगों को बांट रहे हैं, लाखों करोड़ों रुपया बांट रहे हैं और उसके साथ उसमें चोरी और डकैती आप क्या कर रहे हैं कि आपने एक रूल बन गया अंग्रेजों के जमाने से कि भाई भारत के मंदिरों पर जो पैसा चढ़ता है उस पैसे को भी सरकार 80% ले लेती है, लेकिन मजारों पे, गुरुद्वारों पे, चर्चों पे जो पैसा होता है वो भारत सरकार नहीं ले सकती। तो पहले तो आपने झूठ करके इस देश में माइनॉरिटी कमीशन बनाया और बिना किसी बेसिस के, क्योंकि हमने राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत जब ये पता किया कि भाई इस देश में 25 से 30 करोड़ मुसलमान माइनॉरिटी में कैसे हैं, तो जब ये पूछा कि क्या इसका बेसिस है तो आरटीआई के माध्यम से पता चला कि सरकार ने कहा इसका कोई बेसिस नहीं है, कुछ लोगों ने 93 में, उस वक्त की सत्ताओं में कांग्रेस पार्टी थी, उन्होंने अनाउंस कर दिया। तो आज माइनॉरिटी कमीशन के अंदर 30 करोड़ मुसलमान भी माइनॉरिटी में हैं और 50,000 पारसी भी माइनॉरिटी के अंदर है, 2.5% सिख भी माइनॉरिटी के अंदर है, 1.5 से 2% बौद्ध भी माइनॉरिटी के अंदर है। तो मुझे समझ में नहीं आया कि माइनॉरिटी की परिभाषा को जब गढ़ा गया, माइनॉरिटी की भाषा को जब डिफाइन किया गया, तो ना तो आपने यूएनओ को कंसल्ट किया, यूएनओ की परिभाषा में टोटल पॉपुलेशन का 1.5% जो लोग होंगे, जो चाहे लिंग्विस्टिक हो चाहे रिलीजियस हो, वो माइनॉरिटी कहलाएंगे। तो हमारे देश में नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी इलीगल तरीके से बना और 93 से आज तक चल रहा है, साथ साथ उसमें क्या हुआ, ये में वो चुनौतियां हैं। इन चुनौतियों से आप जब तक समाज को जागृत नहीं करेंगे, मूवमेंट नहीं बनाएंगे, तो आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, आप कितना भी पैसा इकट्ठा कर लीजिए, जब कुछ लोगों को लगता है कि डेमोग्राफी को बदल करके, क्योंकि डेमोक्रेसी की जो एक वीकनेस है, डेमोक्रेसी बनी थी उन लोगों के लिए जहां लोग अपने राइट को और अपनी ड्यूटीज को समझते थे, लेकिन भारत जिस तरीके की बैकग्राउंड में आया और डेमोक्रेसी आ गई, इस डेमोक्रेसी ने भारत को एक भीड़ तंत्र में कन्वर्ट कर दिया है। यहां इस बात का किसी को कोई मतलब नहीं है कि उसका राइट क्या है, उसकी ड्यूटी क्या है, वो सिर्फ ये चाहता है कि हमें मिलेगा क्या। लिहाजा इस देश में डेमोक्रेसी के नाम पर सत्ताओं ने देश के हितों को, इस राष्ट्र के इंटरेस्ट को भी दांव पे लगा दिया, क्योंकि सरकारें चुनने के लिए लोगों को लुहावने वादे करते थे, लोगों को अपीज करते थे, इसलिए सारी चीजें बनी।
तो जब आपने नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी बनाया, फिर जो दूसरा जघन्य अपराध किया गया, हीनियस क्राइम किया गया, क्या आपने स्टेट के अंदर भी एक माइनॉरिटी कमीशन बना दिया? जब हमारी पूरे साथियों ने टीम की जांच पड़ताल की तो आप सोचिए कि अजीबोगरीब बात हुई। और वो बात यह हुई कि जिस आदमी को नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी से दिल्ली से पैसा जा रहा था, जिस पर्टिकुलर एक आदमी को मान लीजिए, वो आदमी मान लीजिए कि लक्षद्वीप में कोई रहमान साहब रहते हैं, उनको इकोनॉमिकली फायदा, उनको स्कॉलरशिप में फायदा, उनको पढ़ाई में फायदा, उनको और दूसरी चीजों में फायदा, दिल्ली का नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी दे रहा है, फेयर एनफ, एग्री। लेकिन लक्षद्वीप में एक और माइनॉरिटी कमीशन बना हुआ है, यानी भारत के हर राज्य में एक सेपरेट माइनॉरिटी कमीशन बना हुआ है। यह माइनॉरिटी कमीशन से हमने जब इंक्वायरी की तो पता यह चला कि भारत का जो राज्य है लक्षद्वीप, उस लक्षद्वीप में 98% मुसलमानों की पॉपुलेशन है, वहां 2% हिंदू हैं। तो राज्य का जो माइनॉरिटी कमीशन है वो 98% मुसलमानों को माइनॉरिटी मानता है और 2% हिंदू माइनॉरिटी को मेजोरिटी मानता है, तो वहां से भी पैसा उसे दिया जा रहा है। तो मेरे पैसे का एक ही आदमी को दो जगह से फायदा हो रहा है। तो जब हमने इसकी पड़ताल की, जब हमने रिसर्च की, तो पता चला कि 2011 का जो सेंसस, क्योंकि भारत में सेंसस हर 10 साल के बाद होता है, अगले साल ड्यू है, 2011 का सेंसस बताता है कि भारत के 9 राज्यों में हिंदू माइनॉरिटी में है। तो आपने 1947 में जो बंटवारा मान लिया था, वो बंटवारा तो आज दोबारा से इस देश के अंदर होता चला जा रहा है, आप उसे रोक नहीं पा रहे हैं। क्योंकि सरकारें आई तो सरकारों ने एक वर्ग को खुश करने की कोशिश की, और क्योंकि ये मालूम था कि कुछ लोगों का पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ऐसा है और वो 100% पॉलिटिक्स के ऊपर, पावर के ऊपर पकड़ रखना चाहते हैं, क्योंकि वोट की वैल्यू है। तो वोट की वैल्यू जो है एक पंचर जोड़ने वाले की भी उतनी है जितनी एपीजे अब्दुल कलाम की हो सकती है। तो लेकिन एक साथ एक हजारों लाखों आप पंचर जोड़ने वाले, सब्जी बेचने वाले कर दे, तो उससे भीड़ गरीबी, उनको हर योजना। नमस्ते पुष्पेंद्र जी, आपका इंटरनेट कनेक्शन, आप सड़क कितनी गैस सिलेंडर, तो ये हमारे सामने चुनौतियां हैं। हम इस देश को गजवाए हिंद लाने वाले, हम उसको नहीं बोलना चाहते। हम जो कुरान को बारे में बात करते हैं तो उसमें हमेशा अपोलोजिस्टिक हो जाते हैं कि भाई जब तो कुरान पे भी डिबेट होनी चाहिए, तो कुरान पे क्यों नहीं डिबेट होगी? तो कुरान के अंदर 24 है, जिसे भारत की एक कोर्ट ने कहा कि भारत में पीस नहीं। कुछ लोग रेलों को लूटना कर सकते हैं तो सरकार गोली नहीं चला सकती क्योंकि बहुत लोग मर जाएंगे। ये बड़ा खतरा है मेरे सामने। ये मैं आपको किताब का एक पन्ना दिखाना चाहता हूं। ये चुनौती है मेरे लिए, इसलिए मैं कहता हूं कि जब को नहीं सुधारेंगे तो वर्तमान ठीक नहीं होगा। और वर्तमान इसलिए ठीक, आपका इतिहास आज भी जब हम बैटन देंगे तो आने वाली जनरेशन उसी झूठ में रहेगी। तो मेरी और आपकी और रमेश भाई की, संगीता जी की, और विश्व हिंदू परिषद के दुनिया भर में जो लोग काम कर रहे हैं, आरएसएस जो दुनिया भर में काम कर रही है, हमारी इतनी है कि हम आने वाली वो सच बता, कोई हिंदू है उसे बता कि भारत में लाल बोस के एक रेख में जो स्केचेस बनवाकर लगवाए और ये कहा कि भारत का संविधान जब कोई हाथ में ले तो उस संविधान को खोलते ही लोगों को पता चल जाए कि ये भारत का संविधान है। इस पे चर्चा हुई, एक कमेटी बनी नंदलाल बोस और उनके साथ शांति निकेतन के बहुत सारे बच्चों ने इसमें हिस्सा लिया और उन्होंने 40 स्केचेस बनाए और ये कहा कि जैसे ही हम ये खोले तो भारत की हजारों की संस्कृति और लोग बगैर देखे कि इस पे भारत है। तो बाकायदा बनी और भारत का जो ओरिजिनल पहला स्थान है कि ओरिजिनल कॉपी में 22 स्केचेस को इसमें शामिल किया गया पहली कॉपी में। लेकिन आप मुझे बताइए ये किसकी प्रॉब्लम थी, ये क्या समस्या थी? तब तो नहीं कोई बीजेपी थी, तब तो कोई जनसंघ नहीं थी,
आपने जब ये निर्णय ले लिया और भारत के संविधान की कॉपी में उन चित्रों 22 को लागू कर दिया, तो फिर वो उन चित्रों को हटाया क्यों गया? इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब आप अपनी रूट से कट जाते हैं, जब आप अपनी संस्कृति से कट जाते हैं, जब आप अपनी पहचान और आस्थाओं से कट जाते हैं, अपनी परंपराओं से कट जाते हैं, तो फिर आप जिंदा तो रहते हैं, पैसे तो कमाते हैं, बड़ा मुल्क होता है, बड़ी कारें होती हैं, लेकिन आप अपनी पहचान नहीं बता पाते हैं। इसके अंदर एक चैप्टर है भाग तीन चैप्टर है। उस चैप्टर पे भारत के संविधान में भारत के फंडामेंटल राइट्स को बयान किया गया है, लेकिन उस वक्त के लोगों ने यहां जो चित्र बनाने की कोशिश की, जिस स्केच को यहां भारत के ओरिजिनल संविधान में दिखाया गया है, ये सुना पता नहीं है लोगों को। इस जगह पर जहां भारत के फंडामेंटल राइट्स का चर्चा की गई है संविधान के भाग तीन में, वहां भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, उनके भाई लक्ष्मण और मां सीता का चित्र है। मां सीता का चित्र है। इसको किसने हटाया? इस चित्र को किसने हटाया? क्यों हटाया? अगर मेरी जनरेशन नहीं पूछेगी, आप लोग नहीं पूछेंगे, तो जिस देश आज खड़ा है, हम बाहर जा सकते हैं, कहीं और रहते हैं, एक बड़ी जनरेशन यही रहनी है, उसको यही लड़ना है, यही मरना है, यही जीना है। अगर हम को सही बच्चों को नहीं बताया, तो ये देश की जो पूरी की पूरी संस्कृति है, पहचान है, नष्ट हो गई है। इसलिए इस संविधान के पहले भाग में लिखा हुआ है दैट इज भारत, लेकिन भारत का जिक्र नहीं होता, भारत की बात नहीं होती, क्योंकि भारत का नाम लेने से कुछ लोगों को तकलीफ है, तो हिंदुस्तान कहेंगे, इंडिया कहेंगे, भारत नहीं कहेंगे। इन 22 चित्रों के अंदर जो संविधान की ओरिजिनल कॉपी में थे, उसमें सुभाष चंद्र बोस की भी तस्वीर है, उसमें महाराजा छत्रपति शिवाजी की भी तस्वीर है, उसमें कृष्ण जी की भी तस्वीर है। जब आपका बच्चा अपने घर के दीवारों पर किसी बहादुर की तस्वीर देखता है, आपकी मां को और मेरी मां को जब हम लोगों ने पूजा करते हुए देखा, तो वो ऑटोमेटिक हमारे जाती है चीजें। हमने जो उसमें कुछ इसके गुलाम थे, उसके गुलाम थे, इसके गुलाम थे, उसी मानसिकता की वजह से आज भी हम सही बात नहीं कह पा रहे, सही बात बता नहीं पा रहे। इसलिए मैं मानता हूं कि आज हमारे सामने भारत की शिक्षा कैसे बदली, काले के हिसाब, और आप सब जानते हैं कि लंदन की डिबेट में जाए, जो उस पार्लियामेंट में डिबेट हुई है, कि उसको कैसे मैकाले से पूछा गया कि भारत की संस्कृति, भारत के अंदर कोई आदमी लावारिस नहीं है, भारत के अंदर कोई आदमी अनपढ़ नहीं है, भारत के अंदर आदमी भीख नहीं मानता है, तो मैकाले उन्होंने कहा कि इसका सिर्फ एक ही कारण है कि भारत में गुरुकुल है, फोर्सफुल सेक्ट के कानून में, और ये गुरुकुल किताब नहीं पढ़ता है, ये गुरुकुल भारत की उस संस्कृति और आस्थाओं से जुड़े से लिंकेज इकोनॉमी है। इसलिए यहां ना कोई भूखा है, ना वारिस है, तो सब काम ये छोड़ दिया गया, और गुरुकुल को तोड़ने के बाद यहां कॉन्वेंट नाम की चीज स्थापित की गई, और उस कॉन्वेंट में कहा गया कि जो लोग अपने बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाएंगे, वही लोगों को सरकारी नौकरी मिलेगी। वो मानसिकता 1947 से चलने के बाद आज भी गई नहीं है, आज भी हम उसी मोड़ पे खड़े हुए हैं। आज भी अंग्रेजी बोलने वाला हमारे समाज में जेंटलमैन कहलाता है। आज भी बच्चे को हम जेंटलमैन की परिभाषा बताते हैं, वो बच्चा जो टाई लगाए हुए, पैंट शर्ट पहने हुए, जूते पहने हुए, वो आदमी जेंटलमैन है। जो आदमी धोती पहने हुआ है, तिलक लगाए हुआ है, कुर्ता पहने हुए है, वो उसे एक गमार, दकियानूसी, कंजर्वेटिव लगता है। तो किसान जो काम कर रहा है खेत में, जो गेहूं उगा रहा है, जो भारत की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहा है, वो उसको एक बेवकूफ सा, अनपढ़ सा लगता है। लेकिन जो जेंटलमैन है, कोट पैंट टाई लगाए हुए हैं, अंग्रेजी बोलते हैं, अरबों खरबों के गबन करते हैं, देशों को लूटते हैं, अंग्रेजी में चोरी करते हैं, वो हमें जेंटलमैन लगता है। तो हमारे बच्चों को, और हमने तो जेंटलमैन की परिभाषा ये पढ़ी है, हमने नहीं पढ़ी कि जेंटलमैन का मतलब कपड़ों से नहीं होता है। हमें नहीं बताया गया कि विवेकानंद जेंटलमैन हो सकते हैं, हमें नहीं बताया गया।
तो हमारी तो पूरी मानसिकता उसमें ढकेल दी गई, जिसके कारण आज हमारे सामने यूपीएससी जिहाद है। आज भारत के अंदर जो यूपीएससी है, यूनियन सर्विस पब्लिक कमीशन, जो भारत के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जाने वाले लोगों के एग्जाम कंडक्ट करता है, उसके अंदर भी बगैर किसी को पता ही नहीं चला। अब क्योंकि सवाल उठ गया है तो सब लोगों की आंखें खुल गई हैं। इस देश में मुसलमानों को यूपीएससी में जगह दी जाए इसलिए वो 9 बार अटेम्प्ट कर सकता है, और हिंदू जो इस देश का मेजोरिटी में है उसे 6 बार अटेम्प्ट करने की छूट है। तो ये डिस्क्रिमिनेशन तो आपने पहले दिन से चलाया, पहले बगैर सेकुलरिज्म के चलाया, बाद में सेकुलरिज्म आने के बाद भी चलाया। तो मेरे और आपके लिए तो जगह ही नहीं है। मेरे मंदिर सुरक्षित नहीं है, मेरा साहित्य सुरक्षित नहीं है, मेरा इतिहास सुरक्षित नहीं है, मेरी बात कहने वाला कोई नहीं है। अब अगर कोई सरकार कहती है तो इस देश के अंदर हंगामा हो जाता है, दुनिया भर में बदनाम किया जाता है, कोई अमेरिका में झंडा निकाल के खड़ा हो जाता है, कोई यूएनओ में खड़ा हो जाता है, कोई जेनेवा में खड़ा हो जाता है, और अमेरिका का चुनाव इस बुनियाद पे लड़ा जाता है कि अमेरिका के अंदर जो वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ रही है ब्रिटेन के साथ में, वो कश्मीर में मानव अधिकारों के हनन की बात करने लगती है, भारत में मुसलमानों के साथ कितना बुरा व्यवहार हो रहा है वो ये कहने लगती है, लेकिन वो चाइना के अंदर कंसंट्रेशन कैंप में लाखों मुसलमानों को बंद कर दिया गया है इसकी बात नहीं कहती। यानी भारत के अंदर के मुसलमानों की आतंकी और जिहादी मानसिकता को बार बार लोग अपने एजेंडे के तहत इंटरनेशनल फोरम पे बुनाते हैं। लिहाजा मैं ये मानता हूं कि आज भारत के सामने जो आंतरिक चुनौतियां हैं उसका सामना भारत देश में हजारों लोग कर रहे हैं। इसलिए मैंने शुरू में कहा कि जो नींव आरएसएस ने रखी, जो नींव विश्व हिंदू परिषद ने रखी, अलग अलग उसमें रखी, आज उसके अलावा भी उन संगठनों से भले ही वो सीधे तौर पे कोई न जुड़ा हो, लेकिन हजारों लोग ये काम कर रहे हैं। और हमारा सिर्फ एक ही मतलब है कि किसी भी तरीके से सच बात को पूरी ताकत से बोलो, कोई डर नहीं है, किसी किस्म का डर नहीं आप करें, किसी लालच में ना हो ऐसा, हम सिर्फ इतना ही काम कर रहे हैं। अब आप में सिर्फ मैं 5 मिनट में आपसे ये कहना चाहता हूं कि जिस सुधार की तरफ हम जा रहे हैं, जिन बुनियादी सवालों की तरफ हम जा रहे हैं, देखिए किसी भी देश में इकोनॉमी खराब होती है, इकोनॉमी ठीक होती है, किसी भी देश में दंगा होता है, सो जाता है, सड़कें बनती हैं, ये एडमिनिस्ट्रेटिव चीजें हैं, ये हमेशा होती है, लेकिन किसी भी देश की जो रूह है, जो आत्मा है, वो हमेशा मजबूत रहनी चाहिए। आपने आज के विषय में मुझसे कहा कि इस बैकग्राउंड में, इस पस मंजर में हमें यह तय करना है कि जो भारत से बाहर भारतवंशी वहां गए हैं, जिनके मन में भारत को लेकर चिंताएं हैं, जो भारत को मजबूत करने के लिए हजारों करोड़ों रुपए की फॉरेन करेंसी भारत में भेजते हैं, भारत को इनडायरेक्टली मजबूत करते हैं, लेकिन पिछले 10 सालों के अंदर ये जितने भी भारत में रहने वाले लोग हैं उनको NRI कहा जाता है, नॉन रेजिडेंट इंडियन। ये भी मुझे बड़ा डेरिवेटरी लगता है, नॉन रेजिडेंट इंडियन कैसे हो सकते हैं भाई, किसका रेजिडेंट भारत में नहीं है, कौन कहता है कि इनका भारत में रेजिडेंट नहीं है इसलिए इनका इनको हम विदेशी कहेंगे। हम इसको कह सकते हैं ये वो लोग हैं जो विदेशों में गए हैं, भारतीय हैं, काम करने के लिए वहां गए हैं, वहां की किसी को नागरिकता लेनी पड़ी है या वहां रहते हैं, उससे आपकी भारतीय पहचान नहीं बदलेगी। आपको छूट होनी चाहिए कि जो भी भारत के वंशी बाहर हैं उनको यहां आने के लिए कोई अलग से, ये नहीं होना चाहिए कि आपको वीजा, आप वीजा लेके भारत क्यों आएंगे, इस पे सरकारों को सोचना चाहिए। यह आपका देश है, आपकी जमीन है, आपके पुरखों की जमीन है, यहां आने के लिए, अपने घर आने के लिए आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। लिहाजा आज मैं मानता हूं कि जो विदेशों में, दुनिया भर में जो लोग हैं, मैं उनसे एक ही प्रार्थना करता हूं, एक ही बात करता हूं कि आपकी ताकत ने, आपके पुरुषार्थ ने, आपके अंदर जो भारत की कह सकते हैं इस मिट्टी के प्रति प्रेम हुआ, तो आप, क्योंकि जब आप बोलते हैं तो दुनिया सुनती है, जब जर्मन के लोग, जब अमेरिका के लोग, जब ऑस्ट्रेलिया के लोग, जब न्यूजीलैंड से भारत के वंशियों की आवाज उठती है, तो भारत में वो तमाम सारे लोग जो अपने आप को इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स के शिकार हो गए हैं, कुंठा के शिकार हो गए हैं, हम तो इसके गुलाम थे, हमारे पूर्वज तो ऐसे थे, जब आप कुछ ताकत से बोलते हैं तो भारत के उस गरीब की कोठरी के अंदर जब वो टेलीविजन पे देखता है कि अमेरिका के अंदर, जर्मन में, स्वीडन में, फ्रांस में, जगह जगह भारतवंशी कैसे भारत के लिए
बाहर आते हैं तो उसके अंदर एक भावना पैदा होती है, उसमें एक जोश पैदा होता है और वो जोश उसको अपने देश के प्रति और कमिटेड बनाता है और वो जोश उस देश के अंदर जो इस देश के खिलाफ ताकतें हैं उनके खिलाफ उसको जितना भी वो ताकतवर होता है पूरी ताकत से उनसे लड़ता है। मेरी आप सबसे विनती यह है कि आज आप वहां हैं, इस देश में जो लोग भी काम कर रहे हैं उनसे सबसे मैं एक ही उनके लिए बात कहता हूं, आप किसी भी देश में हो, किसी भी देश के किसी कोने में हो, आपको और भारत में मैं कहता हूं कि अगर आप लिख सकते हैं तो लिखिए, बोल सकते हैं तो बोलिए, चिल्ला सकते हैं तो चिल्लाइए, और अगर आपकी इन तीनों में नहीं कर सकते हैं तो कम से कम जो चिल्ला चिल्ला कर जगा रहे हैं उनके साथ खड़े हो जाइए। आपको अपना दायित्व, आपको अपनी भूमिका, अपने सामर्थ्य, अपनी योग्यता के हिसाब से तय करनी है। मैं पुष्पेन कुलश्रेष्ठ आपसे यही विनती कर सकता हूं कि हो सकता है आप में बहुत सारे अरबपति खरबपति हों जिनके पास पैसा बहुत है और समय कम है, वो ऐसे लोगों को मजबूत करें। कुछ लोग ऐसे हैं कि कुछ वीडियो को, कुछ भाषणों को, कुछ लेखों को उन लोगों तक पहुंचाएं जहां तक ये नहीं पहुंचे हैं, जो सोए हुए हैं जिन्हें नहीं पता है। आप 5 लोगों के बीच में भारत की समस्याओं, आंतरिक खतरों के बारे में उनसे चर्चा करें, उनको समझाएं, एक बताएं, 5 को बताएं, अपनी क्षमता के हिसाब से बताएं। इसलिए कि आप एक नया वाद मैं फिर कहना चाहूंगा, इस 1950 से लेकर के ने भी के संचालक आए हो, उन रेख में तमाम काम हुआ हो, जिंदू परिषद लेखे को जो उसमें उस कोई साहित्य काम है, कोई भाषा में काम कर रहा है, तो सारी ऐसी जगह भी और माइको जब सुप्रीम कोर्ट में हम चैलेंज किया तो सुप्रीम कोर्ट की आप मक्कारी देखिए कि सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ने कहा कि भारत सरकार को 3 महीने में बताना चाहिए कि व्हाट आर द बेसिस टू डिफाइन हु इज माइनॉरिटी एंड हु इज नॉट माइनॉरिटी इन दिस कंट्री। बट उनका रिटायरमेंट हो गया तो कोर्ट ने उनके आदेश को वाकिफ नहीं माना। अब जो दूसरे लोग आए हैं उनका कोई अपना एजेंडा है, लिहाजा उन्होंने कहा कि नहीं सुप्रीम कोर्ट तय नहीं करेगी, आप हर उस राज्य में जाइए जहां हिंदू माइनॉरिटी में है। अब आप सोचिए, वो जज ये जानता है कि अगर एक वकील जिसका आधार दिल्ली का है वो मिजोरम में और मणिपुर में जाकर के कैसे केस लड़ सकता है। अब उसकी मजबूरी है कि वो मणिपुर में केस लड़ने जाएगा, वो लक्षद्वीप केस लड़ने जाएगा, वो कोई संपन्न परिवार का है, लेकिन तो मैंने तौर पे ऐसे काम किए हैं। और एक और जघन्य, भारत की जमीन जो है, जो भारत की जमीन है इस बटने के बाद सबसे ज्यादा जमीन भारत में रेलवे के है, लेकिन नंबर 2 पे से लेके 15 लाख स्क्वायर किलोमीटर और मीटर किलोमीटर में दूसरे नंबर पर जमीन इस देश में जिहादियों के पास है। हजारों हजारों एकड़ जमीन उन्होंने इलीगल ले ली है और बड़ी बड़ी मस्जिदें बना दी हैं। और भारत में मस्जिद तोड़ नहीं सकते कि मस्जिद तोड़ते ही यहां डर लगता है, सरकारें तोड़ नहीं सकती। भ्रष्ट व्यवस्था की वजह से इस देश में 5 से 7 करोड़ इलीगल लोग रह रहे हैं और वो पिछले 10 साल से रह रहे हैं, उनका केस चल रहा है। भारत का क्रिमिनल जस्टिस ऐसा है कि अगर आज आप एक केस करेंगे तो जब आपकी 3 पीढ़ी आएंगी तब तक उसका फैसला नहीं आ सकता, फिर लोग भूल जाते हैं। हजारों करोड़ों जमीन के ऊपर दिल्ली के अंदर हमारी नाक के नीचे
रोहिंग्या मुसलमान जो यहां आए थे, जिन्हें अपने देश से आतंकवाद के कारण निकाला गया, उन्होंने दिल्ली में प्राइम लैंड को उन्होंने घेर लिया है, और हिंदुस्तान का मुसलमान उसने उनकी मदद की है। तो दीज आर द चैलेंज बिफोर अस। तो देश के सामने चैलेंजेस बहुत सारे हैं। मैंने कहा कि चाहे वो पॉलिटिक्स की तो मैं बात ही नहीं करता, लेकिन इस समाज को जागरूक करने के लिए जो भी ताकतें जिनसे भी आप संपर्क में आए, कृपा करके प्लीज उनसे ये पूछें कि आप उनके लिए क्या कर सकते हैं। और आपसे मैं कहता हूं, अपनी क्षमता और योग्यताओं और जो आपको ठीक लगे वो करिए। अगर आप किसी को टेलीफोन करके ये भी कह सकते हैं कि मैं बर्लिन से बोल रहा हूं, आप अच्छा काम कर रहे हैं, मुझे बड़ी खुशी हुई, ये सुन के भी उसको ताकत मिलेगी कि लोग मेरी बात को सपोर्ट कर रहे हैं, लोग विदेशों में सपोर्ट कर रहे हैं। कोई जरूरी नहीं है कि हर आदमी को पैसा ही चाहिए, लेकिन क्योंकि भारत में आप जानते हैं 2011 में FCRA नाम का एक कानून बना, हजारों हजारों संगठन, रमेश जी आप इस बात पे ताज्जुब करेंगे कि मई के महीने में राजीव गांधी की हत्या होती है, मंथ ऑफ मई, और विद इन वन मंथ इन द मंथ ऑफ जून इन द सेम ईयर राजीव गांधी फाउंडेशन बन जाता है। या नहीं, उनकी अगर 23 मई को हत्या हुई है मान लीजिए, तो 23 जून तक एक राजीव गांधी फाउंडेशन बन के उसे FCRA मिल भी जाता है। 21 मई को उनकी हत्या हुई थी, 21 जून को आपने भारत 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 जैसे देश में, अगर आप कल भारत में कोई एनजीओ कराएंगे तो महीनों लग जाएंगे आप, उन्हें FCRA भी मिल गया। तो इस देश में कमाल हुआ है। तो जो पैसा नंबर दो का आता था, जो हवाला से आता था, उस पैसे को लेने में तकलीफ थी, तो भारत की एक सरकार ने 2011 में FCRA नाम का कहा कि भारत के बाहर से जो फंड आएगा वो लोग ट्रस्ट में सीधा भेजें, तो उससे पता नहीं चलेगा कि किसने भेजा, किस एजेंडे के तहत भेजा, और वो यहां पैसा आता है, और भारत विरोधी ताकतों के भारत विरोध के लिए, इस देश में रीजनलिज्म फैलाने के लिए, इस देश में कन्वर्जन को मास स्केल पे करने के लिए वो पैसा इस्तेमाल हो रहा है। तो हमारी समस्या ये है कि आज जो राष्ट्रवादी ताकतें हैं उनके पास काम करने के लिए जज्बा बहुत है, एनर्जी बहुत है, सब कुछ है, लेकिन आज 2020 है, आज बहुत सारी चीजों के लिए पैसा चाहिए होता है लोगों को। लिहाजा आप वहां बैठ करके उन ताकतों को कमजोर करें जो ताकतें भारत में भारत विरोधी प्रचार, भारत में न्यूक्लियर प्लांट लगेगा तो कुछ एनजीओ जाकर के उसके खिलाफ प्रदर्शन करना शुरू कर देंगी, भारत में कहीं पर जाकर के किसी पहाड़ की खुदाई होगी तो लोग वहां जाके करने लगेंगे, कुछ भारत में डैम बनेंगे कुछ उसका विरोध करने लगेंगे। तो इन सब एनजीओ के बारे में पता चला कि इनको फंडिंग होती है भारत विरोध के नाम पे, और वो यहाँ पे अलग अलग शक्लों में है, अलग अलग जगह। अब भारत सरकार ने एक बड़ा फैसला ले लिया है और FCRA को मजबूत कर दिया है, लेकिन आज भी वो ताकतें मजबूत हैं, उन्होंने इन लड़ाई के लिए अपने आप को इतना मजबूत कर लिया है कि उन्हें अब पैसे की आवश्यकता नहीं है। वो ताकतें वो हैं जो मनमोहन के मीडिया एडवाइजर भी रह चुके हैं, वो ताकतें वो हैं जो मनमोहन के दौर में हजारों अवार्ड, किसी को पद्मश्री, किसी को भारत रत्न, तने क्या क्या बांटा जा रहा है, उनको मजबूत कर दिया है। तो राष्ट्रवादी ताकतें आज अपने आप को उनके मुकाबले आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से कमजोर मानती हैं, और पुलिस आपकी भ्रष्ट कर दी गई है, इसलिए वो आपके साथ नहीं खड़ी होती, व्यवस्था आपके साथ नहीं खड़ी होती है, वो झूठ का नैरेटिव बना देते हैं। इसलिए आज भी शिक्षा के अंदर ऐसी किताबें पढ़ाई जा रही हैं। मैं आपको छोटी सी मिसाल देके अपनी बात समाप्त करता हूं। महाराष्ट्र के अंदर एक सरकार बनी है, आप सब जानते हैं, उस सरकार ने क्या काम किया है, उस सरकार ने एक जनरल नॉलेज की किताब 8वीं क्लास के बच्चों के लिए बनाई है। रमेश जी, हम सब लोग पिछले कम से कम 50 सालों से यही सुन रहे हैं कि सरदार भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, इन तीनों को फांसी चढ़ाई गई, यही सुन रहे हैं। लेकिन महाराष्ट्र की जो सरकार आई है, जिसमें अंडरवर्ल्ड, जिनके लिंक सीधे तौर पे ISI से हैं, वो ताकतें जो उनके पैसे से MLA और MP बनते हैं, वो ताकतों ने इस सरकार के आने के 3 महीने के अंदर ही वहां जो जनरल नॉलेज की एक किताब छपी है 8वीं क्लास की, उसमें क्या पाखंड और झूठ बोला है। इसलिए मैं कहता हूं कि मेरे दौर में और आपके दौर में तो हमें नहीं पता कि रोमिला थापर ने क्या क्या लिख दिया। आज हम उन पुराने इतिहास को ठीक करने में हमारी एक पीढ़ी खप गई है, लेकिन
मेरी और आपकी आंखों के सामने महाराष्ट्र में आठवीं क्लास की जनरल नॉलेज की किताब में यह कहा गया है कि सरदार भगत सिंह, सुखदेव और कुर्बान हुसैन ने फांसी खाई थी। ये कुर्बान हुसैन पैदा हो गया। अब अगर मैं और आप इस पे सवाल नहीं उठाएंगे तो 20 साल के बाद यही बच्चे कहेंगे कि भाई देखिए कुर्बान हुसैन ने भी तो फांसी ली थी राजगुरु और भगत सिंह के साथ में। ये नैरेटिव बन जाएगा। फिर मेरी एक पीढ़ी कहेगी नहीं नहीं ऐसे। तो इस तरीके की पहल चल रही है। बंगाल में एक किताब पढ़ाई जा रही है बच्चों को और उस किताब में कहा है कि भगवान राम विदेशी थे और उन्होंने भारत पर आक्रमण किया था और भगवान राम नहीं थे, वो तो रम से राम बने। ये किताब बंगाली में पढ़ाई जा रही है वहां के बच्चों को। आप मुझे बताइए, हम भारत में कुछ भी कर लें, अब वहां से जो बच्चा पढ़ के निकलेगा 20 साल के बाद वो किसके खिलाफ खड़ा होगा? वो औरंगजेब को अपना आइडियल मानेगा, वो भगवान राम को आक्रांता मान रहा है, वो कुर्बान हुसैन को पढ़ने लगेगा कि ये कुर्बान हुसैन थे, तो वो सुभाष के बारे में नहीं पढ़ेगा क्योंकि सुभाष के बारे में भारत के आर्काइव में आज तक ये कहा जाता था कि ही इज ए वॉर क्रिमिनल। भारत के इतिहास के रिकॉर्डों के अंदर आज भी भगत सिंह को आतंकवादी कहा जाता है। तो मैं कितना कह लूं, आप कितना कह लें, लेकिन हमारे सब बच्चों ने स्कूलों में वही पढ़ा है तो उसके दिमाग में वो बैठा हुआ है। लिहाजा ये चैलेंजेस हैं। मेरी आप सबसे, दुनिया भर के लोग इतनी बड़ी तादाद में, इतनी देशों से लोग कभी मैंने नहीं देखा कि किसी वेबिनार में जुड़े हों। मैं इसके लिए रमेश भाई को और उनकी पूरी टीम को और साथियों को, विश्व हिंदू परिषद के लोगों को मुबारकबाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं। लेकिन फिर मैं यही कहूंगा कि मैं आपसे इस पोजिशन में नहीं हूं कि आपको क्या करना चाहिए। आप खुद स्वतः ही समझदार हैं, बुद्धिमान हैं, आपके अंदर राष्ट्र प्रेम है, आप भारत माता के लिए चिंतित रहते हैं और जो करना चाहते हैं वो करिए। लेकिन मैंने फिर कहा, आप अपने सामर्थ्य योग्यता के हिसाब से जिसको जो कर सकता है वो करे। आखिर रमेश जी ने मुझे इतने सारे लोगों के सामने बोलने का मौका देकर के, अपनी बात को सामने रखने का मौका देकर के भी एक तरीके से इस कॉज को आगे बढ़ाया है। तो अपनी भूमिका का आप स्वतः ही चयन करें और उसको अपने हिसाब से करें। इस देश में बहुत ताकतवर तरीके से राष्ट्रवाद के हजारों साल की सनातन की सभ्यता, संस्कृति, आस्था, परंपराओं का एक ज्वार है। लोगों में गुस्सा है, लोग सच सुनना चाहते हैं। आज सड़कों सड़कों के ऊपर फिल्म इंडस्ट्री से लेके जगह जगह लोग वो बात सुनना चाहते हैं जो उनसे हजारों सालों से छुपाई गई है। ऐसे में आप की भूमिका शायद आज से 10 साल पहले रही होगी कुछ भी, लेकिन एक पुराना मुहावरा है, स्ट्राइक व्हाइल आयरन इज हॉट। दिस इज द टाइम व्हेन यू पीपल डिसाइड व्हाट यू वांट टू डू इन इंडिया, हाउ यू विल डू इट्स यू डिसाइड। लेकिन ये जो अपॉर्चुनिटी है, ये जो टाइम है, अगर हमने इस वक्त उन ताकतों को परास्त नहीं किया, उन ताकतों को कमजोर नहीं किया, उन ताकतों का सफाया नहीं किया, तो याद रखिएगा ये टाइम निकल जाएगा। उसके बाद हो सकता है आप बहुत कुछ करें, उसका कोई अर्थ नहीं होगा क्योंकि ये देश हम जैसे लोगों की से खत्म हो जाएगा, कोई नहीं बचने वाला है। जो ताकतों के मंसूबे हैं, जो उनकी प्लानिंग है, जो उनका एजेंडा है, वो बहुत गहरा है, बहुत शातिराना है, वो आपके बीच में है, आपकी व्यवस्था में है और वो आपको कुछ करने नहीं दे रहे। इसलिए मैंने 2019 है, चरखी दादरी है हरियाणा के अंदर, रमेश भाई जानते होंगे, उस चरखी दादरी के अंदर हिंदू और मुसलमान बीच में कोई झगड़ा कोर्ट पहुंचा, उस मुसलमान ने उस जज साहब मुझे मारा। उस चरखी के जज आपको मैं उस बीमारी का एक आपके सामने ने कहा कि मुझे हिंदू ने मारा, तो वो जज फखरुद्दीन ये कहता है मुझे शर्म आती है तुम पे और तुम जैसे उठा करके उस हिंदू को गोली मार देनी चाहिए थी और मेरी कोर्ट में आते और तुम्हारा भाई फखरुद्दीन जज यहां बैठा है, मैं तुम्हें बचा लेता। ये भारत के अंदर की बीमारी का एक हिस्सा बताया है। इसलिए यूपीएससी जिहाद का जो मामला चल रहा है वो कोई छोटा नहीं है,
बाकायदा कैंप लगा लगा करके अरबों अरबों रुपया भारत के मिडिल ईस्ट से आ रहा है, जकात और खैरात के नाम पे आ रहा है, लाखों रुपया बांटा जा रहा है, यहाँ की व्यवस्था को खरीदा जा रहा है, एग्जामिनर को खरीदा जा रहा है, और कहा जा रहा है कि भारत की राजनीति में आप भले ही कोई ताकत न रखते हो लेकिन भारत की व्यवस्था के ऊपर या नहीं एसएसपी डीएम जज इस पे अगर आपका कब्जा होगा तो फैसले आपके हक में आएंगे, फिर आपकी कौम नहीं पिटेगी। इस मानसिकता से इस देश में जुडिशरी के ऊपर, इस मानसिकता से इस देश की ब्यूरोक्रेसी के अंदर, इस मानसिकता से इस देश के एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर लोग लगे हुए हैं, हजारों कैंप ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं, जगह जगह किए जा रहे हैं, कहीं 5 लाख रुपया दिया जा रहा है, कहीं 2 लाख रुपया दिया जा रहा है, किसी भी तरीके से यूपीएससी के माध्यम से डीएम और एसएसपी बनाए जाएं। हम कहां खड़े हैं, हमारी मदद कौन करेगा, हम किससे लड़ें? सरकार अपनी भूमिका निभा रही है, जितनी सरकार की लिमिटेशन है, सरकार भी यकायक सब कुछ नहीं बदल सकती, सरकार को भी विरासत में इतनी चीजें हैं कि वो सत्ता पे भी रहेगी तभी कर पाएगी, तो सत्ता पे रहने के लिए उसे कुछ ना कुछ ये भी करना पड़ेगा, इनको भी कुछ करना पड़ेगा, तब जाकर के होगा ना। इसलिए ये सरकार तो रहे लेकिन समाज जागृत हो जाए। लेकिन आखिर में सिर्फ ये कहते हुए कि एक बात ध्यान रखिएगा कि राज देश चलाता है, सत्ता देश चलाती है, का अंग है जुडिशरी, सत्ता का अंग पुलिस, लेकिन याद रखिएगा दुनिया में यह नियम है राष्ट्र को समाज बचाता है, इसलिए जनगण मन बजेगा तो यह संविधान की जिम्मेदारी है कि आपको खड़ा होना है, यह संविधान का हिस्सा है। लेकिन जब कोई प्रोग्राम होता है जैसे आज आपने एक प्रोग्राम किया तो आपने सरस्वती वंदना गाई, भारत में भी जब प्रोग्राम होता है तो सरस्वती वंदना गाई जाती है, दीपों को जलाया जाता है, ये दीप जलाना और सरस्वती वंदना गाना हमारे राष्ट्र की संस्कृति की पहचान है, ये संविधान से नहीं है। इसलिए देश और राज संविधान से चलता है और राष्ट्र परंपराओं से चलता है, आस्थाओं से चलता है, सरोकारों से चलता है। इसलिए जब राष्ट्र के लोग, राष्ट्र कमजोर होता है तो राज आपके राष्ट्र के अंदर एंटर करना चाहता है, आप कमजोर हुए तो इस देश की सत्ताओं ने सबरीमाला के अंदर कब जाना है कब नहीं जाना है आपके राष्ट्र की आस्थाओं में उसने दखलंदाजी इंटरफियर करना शुरू किया क्योंकि राष्ट्र के लोग कमजोर हो गए। ये राष्ट्र की सरकार, अगर राष्ट्रवादी कब मजबूत होते, अपनी आस्थाओं और परंपराओं पर उन्हें गर्व होता तो राज आपकी आस्थाओं पर चोट नहीं करता। इसलिए भारत की सुप्रीम कोर्ट बताती है कि हिंदू कौन है हिंदू कौन नहीं है, भारत की सुप्रीम कोर्ट नहीं बताती कि मुसलमान कौन है क्रिश्चियन कौन है, क्यों नहीं बताती? इसकी डेफिनेशन भारत की सुप्रीम कोर्ट कैसे तय कर सकती है कि हिंदू कौन होगा, उसकी परिभाषा कैसे होगी, मंदिर में कब जाना है नहीं जाना है, मेरे मंदिर के पैसे को सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से क्यों लिया जाएगा? इसलिए कि राष्ट्र को बचाने वाले लोग कमजोर हैं, लालची हैं, बिक जाते हैं, इसलिए राज अपनी इंटरफियर करता है। राज्य की यह जिम्मेदारी नहीं है कि भारत किस आस्था से चलेगा, उसका काम है कि जो संविधान में लिखा है उसे लागू करे, उसका काम है जो कानून बना है कानून की बात करे। लेकिन धीरे धीरे राष्ट्र तय कर रहा है कि सबरीमाला मंदिर के अंदर 1000 साल की परंपरा को तोड़कर जेंडर जस्टिस नजर आता है तो इसी देश की सुप्रीम कोर्ट को, इसी देश की सरकारों को सुप्रीम कोर्ट के देखरेख में आप सबरीमाला की जो पवित्रता है उसे भंग कर देते हैं तो फिर मस्जिद में आपको जेंडर जस्टिस क्यों नहीं नजर आता, वहां पे आप क्यों चुप हो जाते हैं? कुरान और इस्लाम का हिस्सा नहीं है अजान, अजान सिर्फ इस्लाम का हिस्सा है लेकिन अजान को लाउड स्पीकर पे दिया जाएगा, ये इस्लाम का हिस्सा नहीं है। हम नहीं रोक पाए, हम नहीं रोक पाते 5 वक्त, हम सुनते हैं जोर जोर से और उसमें भी एक सेकुलर देश के अंदर। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, आखिरी बात है बस मेरी, एक सेकुलर देश के अंदर आप ये किसी को कैसे इजाजत दे सकते हैं कि कोई 5 वक्त खड़े होकर के जो अजान पहला कलमा इस्तेमाल किया जाता है, कलमा है उसका मतलब आपको समझाता हूं, एक सेकुलर देश में यह कैसे हो सकता है? अजान जब देते हैं तो उसमें कहा जाता है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदन रसूल अल्लाह, अल्लाह इज द ग्रेट, अल्लाह के सिवा
किसी दूसरे की पूजा नहीं की जा सकती, और अल्लाह भगवान का सिनोनिम नहीं है। तो सेकुलर स्टेट में मुझे डराने के लिए 5 बार कहा जाता है कि अल्लाह के सिवा तुम किसी की पूजा नहीं कर सकते, ये कैसे अलाउ है? इसलिए इन मुद्दों से लड़ना, इसको समाज को चेतन करना किसी के खिलाफ नहीं है। संविधान में जो लिखा है हम वही कह रहे हैं, हम संविधान को मानते नहीं हैं, अंबेडकर को मानते नहीं हैं, तो भाई ये देश कैसे चलेगा? आप जर्मनी में रहते हैं, आप भले ही हिंदू हो मुसलमान हो, लेकिन जर्मनी का लॉ आप सब पे एक साथ लागू होगा। ये नहीं हो सकता कि कुछ मुसलमानों को परमिशन दे दी जाए कि वो बर्लिन की सड़कों पर खड़े होकर के जुमे की नमाज पढ़ें और रास्ता रोक दें और कहें कि ये हमारा अधिकार है। ऐसा होगा क्या? आप होने देंगे? तो जब आप जर्मनी में नहीं होने देंगे तो भारत में यह पिछले 70 सालों से हो रहा है। तो जो ताकतें इन चीजों को रोक रही हैं, संविधान और कानून का राज स्थापित करना चाहती हैं, आप उनकी मदद करें और कोशिश करें कि भारत के अंदर भी वही ताकतें, कानून का राज चले, संविधान का राज चले। रमेश भाई, संगीता जी और विश्व हिंदू परिषद के तमाम पदाधिकारी जितने भी हैं और इतने इतने देशों से, स्वीडन से, इटली से, नीदरलैंड से जो लोग हैं, उन सब लोगों का मैं नाम नहीं जानता, आप सबको एक बार फिर इस बात के लिए मुबारकबाद और धन्यवाद कि आपने मुझे सुना। मेरे से किसी किस्म का इन्हीं विषयों से रिलेटेड कोई सवाल हो तो रमेश जी से कह सकते हैं, और मैं रमेश जी की परमिशन से सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं कि आप सब लोग सवाल पूछें, अपने मन में अगर कोई सवाल भी आए तो मेरा जो ईमेल एड्रेस है उस पे मैं इस काम के लिए अलग से 4 घंटे देता हूं, क्योंकि टेलीफोन पे बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं आपको pushpendradelhi01@gmail.com, आपके मन में जिन विषयों को मैंने उठाया है, कोई भी प्रश्न है, आप मुझे ईमेल के माध्यम से पूछे। यहां रमेश जी ने कहा है वो कुछ सवाल लेंगे, मैं चाहता हूं आप सवाल लें। मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच सर। Thank you very much, sir. Thank you very much, Shri Pushpendra Kulshrestha ji, for giving us very useful insight. And now the dice is open for the question and answer. And would like to request the members who have questions, please raise their hands and keep the question as short as possible, not taking more than 1 minute. Also, for the respective members, the mic will be unmuted. If anyone has a question, can ask the question. Jagdish Mahant ji. जगदीश महंत जी, जगदीश महंत जी, ओके, विल गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। राजेश कुमार बेहुरा जी, नमस्ते सर। नमस्ते, यू आर ऑडिबल, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन प्लीज। मेरा क्वेश्चन ये है कि सर, गांधी का जो पाखंड है उसका कैसा हम उसके बारे में कैसे जानेंगे? गांधी का जो पाखंड है, गांधी जो मुपला कांड किया था, देख लिए। इत्तेफाक की बात है कि मैं ये जानता था कि ये एक्सपेक्टेड सवाल होंगे और मैं दिन भर पढ़ता रहता हूं। ये किताब है जी सर, जिस साहब ने भी सवाल पूछा है ये किताब देख लें, मैं नाम इसका बता देता हूँ। इस किताब का नाम है गांधी एंड अनार्की। इसे न विश्व हिंदू परिषद ने लिखा है, न आरएसएस ने लिखा है। इसे जिस शख्स ने लिखा है उस शख्स के बारे में मैं आपको बता देता हूं। ये किताब लिखी गई है, इस किताब के राइटर हैं, इस किताब का नाम है गांधी एंड अनार्की, और इस किताब को लिखा है सी शंकरन नायर। सी शंकरन नायर, सर सी शंकरन नायर। और ये सी शंकरन नायर कौन थे ये भी मैं इसलिए बता देना चाहता हूं ताकि एकदम क्लैरिटी हो जाए। ये शंकरन नायर साहब 1897 में कांग्रेस का जो अमरावती में अधिवेशन हुआ था उस वक्त कांग्रेस की अध्यक्षता कर रहे थे। 1897 के अमरावती कांग्रेस के अधिवेशन में आप अध्यक्षता कर रहे थे और 1908 में आप मद्रास हाईकोर्ट के जज बने
उन्होंने किताब लिखी है गांधी एंड अनार्की। इसके पेज नंबर 132 अपेंडिक्स 3 टाइटल का नाम है मालाबार अगोनी और उस पे आर्टिकल लिखा है मैडम एनी बेसेंट ने जो बाद में कांग्रेस की अध्यक्ष रही। आप यकीन मानिए मैं आपको सिर्फ दो ही लाइन कहता हूं, आप अगर कांग्रेस के अध्यक्ष द्वारा लिखी किताब एने बेसेंट के द्वारा लिखा हुआ आर्टिकल उसका जिस्ट क्या है, उसका जिस्ट है कि हिंदुओं का मैसेकर इन मोपला, मुसलमानों ने जिस बर्बरता और के साथ हजारों हिंदू औरतों और बच्चों की हत्याएं की उनको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। ये इस किताब का चैप्टर जिसके बारे में मैंने बताया है, ये इस किताब का चैप्टर है गांधी एंड अनार्की, राइटर इज ए कांग्रेसी एक्स प्रेसिडेंट सी शंकरन नायर, 1887 में आपने 1897 के अधिवेशन जो अमरावती में हुआ उसकी अध्यक्षता की और इस पे एनी बेसेंट का किताब है और इसका टाइटल है मालाबार अगोनी। इसे पढ़ लें तो गांधी के बारे में जो किताबें आपने पढ़ी, मैंने कहा वही किताब लाना चाहता हूं जो गांधी के बारे में गांधी के साथ में जानने वालों ने लिखी है, वो ज्यादा बेहतर होंगे। ये जो नकली गांधी आजकल है मैं इनके हिसाब से नहीं चलने वाला, इसलिए मैंने कहा इस किताब को पढ़ लेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें साफ हो जाएंगी। एनीथिंग एल्स सर? राम राम पुष्पेंद्र जी, मैं कमल गुप्ता हूँ स्वीडन नेपाल से। आपको मैंने फर्स्ट टाइम राजस्थान में इन पर्सन सुना था 2018 में, आज फिर से आपको सुनने का मिला, बहुत अच्छा लगा। मेरा क्वेश्चन ये पिछले क्वेश्चन से ही रिलेटेड है कि मोदी गवर्नमेंट स्टिल गांधी को क्यों प्रमोट कर रहे हैं? वी वांटेड हिम टू आउट ऑफ पीपल्स मेमोरी, नाउ ही इज देयर लाइक नाउ फॉर मे बी फॉर 100-200 ईयर। आई गॉट योर क्वेश्चन। मेरे भाई एक एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा, मैंने आपको पहले अपने संबोधन में कहा, हर भाषण में हर लेक्चर में मैं कहता हूं कि मैं सरकार पार्टी से अलग हटके बात करता हूं, लेकिन आपने नाम लेके सवाल पूछा है, एक एक्सपेरिमेंट कर लीजिएगा। आप जिस घर में पैदा हुए हैं वहां भाई बहन सारे लोग होंगे, आप जब जर्मन जाएं कभी या जर्मन जाकर के कहीं विदेश से लौटें और कोई नई परंपरा को वहां लागू करेंगे, आप कहेंगे बहुत अच्छी है, तब भी इतनी आसानी से घर के लोग नहीं मानते हैं। 70 सालों में गांधी को भगवान बना दिया इस देश में। आप गांधी के बारे में धीरे 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 लोगों की मेमोरी से फेड करेंगे। ये कोई रबर नहीं, आपने कुछ लिखा है, आप 70 सालों के बाद पहली बार सत्ता में आए हैं और एक ही बार में आप करेंगे, पूरी दुनिया के अंदर आपके खिलाफ ताकतें, आपके अंदर इतनी ताकतें हैं, ये नाकोटसे के लोग हैं, ये आरएसएस के लोग हैं, ये संविधान बदल देना चाहते हैं, ये दलितों को मारना चाहते हैं, ये अनुव्यवस्था स्थापित, वो इतनी करोड़ों में है कि आप इतना आसानी से नहीं बदलेंगे। लेकिन अगर आप थोड़े से भी इन चीजों को ध्यान से देखें तो हमेशा ध्यान रखिएगा, किसी की लकीर को छोटा करना होता है तो एक बड़ी लकीर खींच दीजिए। आपके गुजरात में विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति कितनी है? सरदार पटेल की जी। तो धीरे 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 लोगों की मेमोरी से लगेगा, यार सरदार पटेल इतना बड़ा है, गांधी है, धीरे धीरे होगा, क्योंकि आज वो ताकतें आपके अंदर हैं, आपकी पार्टी में हैं, आपके संगठनों में हैं, वो आपका गला पकड़ लेंगी। और जो गांधी को विरोध करते हुए जिन्होंने पाकिस्तान बनाया, आज उन्हें गांधी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि गांधी को आगे रख करके ही वो इस देश में राष्ट्रवाद को कमजोर करना चाहते हैं, तो वो बहुत समझदार लोग हैं। इसलिए एक दिन में कुछ हो जाएगा, एक सरकार कुछ कर देगी, मैं ये नहीं मानता। और खासतौर से वो सरकार जब उसका समाज अभी भी कुंभकर्ण की नींद सो रहा हो,
उसके समाज में अभी भी जागृति नहीं आ रही हो। वो ये चाहता है मोदी सुबह सुबह उठ के जनसंख्या कानून बना दे, अगले दिन आपका जो है वो यूनिफॉर्म सिविल। अरे ये कानून बना तो देगा लेकिन इसको लागू तो मुझे और आपको कराना है। आप तो चाहते हैं सारा काम पुलिस करे, आप तो चाहते हैं पड़ोसी से लड़े तब भी आपको कोई भारत का गृहमंत्री आपके घर आए। आप कब लड़ना चाहते हैं, आप कब खोना चाहते हैं? आपको तो सबका अच्छा रहना है, आपको तो अहमद भाई के घर की जाकर के सिवैया भी खानी है, तो आप तो अपना सब कुछ बना के रखना चाहते हैं। कुछ बात होगी आप विदेश भी चले जाएंगे, आपको सेकुलरिज्म भी सवार है। आप सनातन में अपने घर में पूछिए कि आप क्या आपके घर में पूजा होती है, क्या आपने कभी अपने बच्चे को सनातन के बारे में बताया? आप तो कहते नहीं तुम ये सब काम मत करो, पढ़ो लिखो और अमेरिका और लंदन चले जाओ भाई बस। आप तो ये बचने दूसरे के कंधे पे आप सोचते हैं कि वो लड़ाई लड़ेगा फौज बचाएगी। इस मानसिकता से बाहर निकलिए, आपका अपना कंट्रीब्यूशन सनातन को बचाने और राष्ट्र को बचाने में पूरे दिन में कितना होता है। इसलिए आप मोदी से ये उम्मीद करें, मैं कह रहा हूं आप भी प्रधानमंत्री बन जाएंगे तब भी नहीं कर सकते, क्योंकि आप हजारों संकटों से उसके बीच में से निकल के उसने आर्टिकल 370 और 35 हटाया, उसके बीच में से निकल के सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। आप ये कम बड़ी बात समझ रहे हैं? छोटी छोटी बात। आज भारत के अंदर नारा लग रहा है कि मोदी के आ गया है तो मंदिर बना लिया है, कल 10 साल के अंदर हमारी गिनती बढ़ने वाली है, हम 30% पे चुनाव लड़के सत्ता पे बैठेंगे, हम इस मंदिर को तोड़ देंगे। इसलिए मैं हिंदुओं से सनातनियों से कहता हूं मंदिर बन सकते हैं, करोड़ों रुपया खर्च के बन सकते हैं, लेकिन मंदिर को बचाने वाले जो हैं लोग हैं उन्हें तो मजबूत करो। अगर वो अपंग कमजोर रहेंगे मानसिक और शारीरिक रूप से तो आप कितना भी बड़ा मंदिर बना लीजिए कुछ नहीं चलेगा। क्या आप मुझे बताइए सोमनाथ के लिए कोई करोड़ों लोग आए थे तोड़ने, औरंगजेब अपने साथ कोई अरबों खरबों लोग लेके आया था, आपके लोगों को गुलाम बनाया, मस्जिद तोड़ मंदिर तोड़ी और मंदिर तोड़ के मस्जिद बना दी ऊपर, और वो अजान मूझ के ये करके गए हैं ताकि आने वाली नस्लें हमेशा ये देखें कि हमारे ऊपर मुसलमानों ने रूल किया है। क्या वो पूरा मंदिर नहीं तोड़ सकते थे? क्यों उन्होंने काशी के अंदर ऐसा किया? ताकि आप पूजा करने जाएं तो देखें कि आपके महा शिव जी जो है वो दूसरी जगह रखे हुए हैं, आपको बार बार हॉन्ट करें ये, और उस हॉन्ट में आप कुछ ना कर पाए तो वो छोड़ कैसा गए हैं। और आजादी के बाद हमारे नेताओं ने जो भूले की उन ताकतों को मजबूत किया इस देश के अंदर। इसलिए प्लीज मेरी आपसे विनती है सरकार के बारे में मत करिए, आज समय आ गया है कि आप ये सोचें मैं क्या कर सकता हूं, आप अपनी जिम्मेदारी लें और बिना बताए करें। मैंने अपनी नौकरी छोड़ी, मैंने किसी पे एहसान नहीं किया, इस बात को रिपीट नहीं करना चाहता, मैंने अपनी भूमिका तय की, मुझे लगता था ये मैं कर सकता हूं, मैंने किया और पूरी ईमानदारी जितनी मुझ में ताकत है मैं कर रहा हूं। न मैं किसी से सवाल खड़ा करता, न किसी से सवाल पूछता, न मैं कहता उन्होंने ऐसा नहीं किया। मैं पूछता हूं मैंने क्या किया है मेरे भाई? जिस बीमारी का जिक्र आप दिन रात करते हैं उस बीमारी से लड़ने के लिए आपका कंट्रीब्यूशन क्या है? दैट इज माई पॉइंट। थैंक यू सर। नेक्स्ट नमस्ते पुष्पेंद्र जी, मैं अलीगढ़ का रहने वाला हूँ, फ्रैंकफर्ट में रहता हूँ, और मेरा आपसे प्रश्न है कि आपकी क्लैरिटी सुनकर मेरे मतलब मन में एकदम रोंगटे खड़े हो गए, बहुत ही अच्छा लगा आपको सुन के आज। बट मेरा प्रश्न ये है कि अगर हमें भारत को आगे ले जाना है तो जो 30 से 35 करोड़ जो जनसंख्या है हमें उसको भी डेमोक्रेसी में मानने वाला बनाना पड़ेगा, तो उसके लिए हम क्या कदम उठा सकते हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। मैं कहता हूं कि आपका अपना बच्चा पढ़ाने का समय नहीं है आपके पास, आप पड़ोसी को बच्चे को पढ़ाने के चक्कर में हैं, आप अलीगढ़ के हैं, मेरे जिले के रहने वाले हैं, आप 35 करोड़ों लोगों को डेमोक्रेसी में लाने के लिए क्या करेंगे भाई? आप अपने बच्चों को छोड़ करके, अपने परिवार को छोड़ करके 35 करोड़ लोग जो आपके संविधान को नहीं मानते वो कुरान को मानते हैं, आप उनसे कहेंगे कुरान को मत मानो? या फिर आप उनसे ये झूठ बोलेंगे कुरान को मानो लेकिन संविधान को भी मानो? तो कुरान को जो मानेगा वो संविधान को नहीं मानेगा, क्योंकि आपको इस्लाम के बारे में पता नहीं, आप अलीगढ़ में रहे। इसलिए उनको लाने पे जो आप ताकत लगाना चाहते हैं, मेरी आपसे विनती है कि ये सवाल आप दोबारा कभी ऐसा मन में इसलिए न लाएं कि आपके पास आप वेंटिलेटर पे हैं, ये देश वेंटिलेटर पे है, और आप क्या कह रहे हैं कि हमें विश्व की चिंता करनी चाहिए, पूरा विश्व हमारा घर है। ये कहने में अच्छा लगता है हमारा घर लुट गया और हम विश्व के घर की बात कर रहे हैं। ये स्थिति तो 1947 में करनी चाहिए थी ना आपको, हमारे बुजुर्गों को, जब पाकिस्तान बांटा था, जब बांग्लादेश बना था, तो मुसलमानों का
एंटीथीसिस है डेमोक्रेसी, इसलिए इस्लाम के मानने वाले ये यहां के जो जाहिल मुसलमान हैं ये बताते हैं इस्लाम के बारे में। 57 देशों में किस देश में डेमोक्रेसी है? डेमोक्रेसी इज एंटीथीसिस ऑफ कुरान। आप उनसे कहते हैं कि तुम कुरान भी मानो संविधान भी मानो, ये मुमकिन है? इसलिए वो कहते हैं नहीं, हम कुरान के आगे किसी को मानते नहीं है, आप अपने संविधान को चलाते रहे, हमारी मजबूरी है कि हम गिनती में कम है, हमारे पास ताकत नहीं है, इसलिए हम मान रहे हैं, हमारी मजबूरी है तो हम उतना ही मानेंगे। इसलिए आपके कश्मीर में माना किसी ने? मालदा में माना? अलीगढ़ में माना? सब पलट गया ना आज, 500 पाकिस्तान बन गए ना वो डेमोक्रेसी में आते आते, तो उनको समझ में आ गया कि डेमोक्रेसी का मतलब है कि ज्यादा बच्चे पैदा करो, वोट से अपनी ताकत बढ़ाओ और पार्लियामेंट पे कब्जा करो। तो आप मुझे बताइए कि ऐसे में कौन सा हल ऐसा हो सकता है कि हम जो आपने बहुत एक आइडियल हमें मुझे सजेशन दिया, ये जो बात रखी, ये आइडियल किसके पास जाऊं लेके? रहमानी के पास, मूसा के पास, दुजाना के पास, अफजल गुरु के पास, याकूब मेनन के पास, असदुद्दीन के पास, आजम खान के पास, किसके पास जाऊं और उनसे कहूं कि निकी साहब आपको डेमोक्रेसी में आना है, मैं अपना जीवन एक आदमी पर लगा दूं? है इसलिए आपका सजेशन एक पढ़े लिखे समाज टाइप का है, लेकिन आप किससे बात कर रहे हैं? आप अमेरिका में बता रहे हैं किसी को कि डेमोक्रेसी में आओ? इंग्लैंड की सड़कों पे आग लगाई जा रही है, ऑस्ट्रेलिया में आग लगाई जा रही है, आप उसको कह रहे हैं कि भाई यहां तो कहा जाता है कि बढ़कर पढ़े लिखे, वहां तो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। आपने पूछा कि तुर्की के अंदर क्या हो रहा है, चर्चों को मस्जिद में बदला जा रहा है, तो किस डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं मेरे भाई आप? मैंने आपको कहा कि आपने कुरान नहीं पढ़ा, आप अलीगढ़ में पैदा हुए लेकिन आप कुरान नहीं पढ़े। मैंने कुरान इसलिए पढ़ा कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में मैं और एक आदि कोई छात्र रहा होगा उस दौर में जो हिंदू था, तो हमारे लिए कंपलसरी था थियोलॉजी पढ़ना, तो हमने कुरान पढ़ लिया है, इसलिए मुझे कंफ्यूजन नहीं है। आपने मुसलमानों के साथ ईद पे गले मिले हैं, सिवैया खाई है, इसलिए उन्होंने कुरान के बारे में आपको नहीं बताया है। वो ये कहते हैं कि इस्लाम इज अ रिलीजन ऑफ पीस, लेकिन वो सच बोलते हैं, इट्स अ रिलीजन ऑफ ए पीस, बट आपने पीस की स्पेलिंग गलत समझ ली है, उसमें आपकी गलती है, उनकी मेरी गलती नहीं है। इसलिए मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है, आप इस कोशिश को करें और जहां भी आप रह रहे हैं वहां के मुसलमानों में से 10 को यह कहें कि भाई आप पूरी दुनिया के अंदर, छोड़ दीजिए हिंदुस्तान के अंदर, पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी में किसे यकीन है? उनसे कहें कि ईरान में, इराक के अंदर, सब जगह जाएं, भाई वहां डेमोक्रेसी का आपको पालन करना चाहिए, संविधान का पालन करना चाहिए, ये संविधान कोई आरएसएस ने नहीं बनाया था। तो आप ये सवाल वहां उठाएं, कम से कम मुझसे इसलिए उम्मीद न करें कि मैं कुछ चीज कन्विंस होने के बाद जीवन का ये समय इस बात में लगाना चाहता हूं। इसलिए मैं अपने बच्चों को बताना चाहता हूं कि कुरान पढ़ लो समझ में आ जाएगा मुसलमान क्या है, कुरान पढ़ लो सेकुलरिज्म समझ में आ जाएगा, ये कहने की हिम्मत नहीं है लोगों में। इसलिए रामचंद्र जी पे सवाल होगा, सीता पे सवाल होगा, लेकिन कुरान पे बोलती बंद हो जाएगी इस देश में लोगों की बात करते में, क्योंकि वो एकदम कह देंगे कि गर्दन काट दी जाएगी। जो लोग डिबेट ही नहीं करना चाहते हो, जो मोहम्मद साहब पे डिबेट ना करना चाहते हो, जो मोहम्मद साहब के दामाद के मारने वाले थे, उनकी बेटी फातिमा को मारने वाले थे, उनके नवासों को, अली और हुसैन को मारने वाले थे, उस पर डिबेट नहीं करना चाहते आप, उनसे डेमोक्रेसी पे डिबेट करना चाहते हैं। वो तो शरिया कानून लागू करना चाहते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में तो एक ही राज था जहां मेजोरिटी थी उनकी, उन्होंने कहा यहां तो शरिया चलेगा, तो वहां के मुसलमानों को नहीं किसी ने समझाया कि भाई आप डेमोक्रेसी में आइए। डेमोक्रेसी इज एंटी थीसिस ऑफ इस्लाम, वो माने नहीं सकते सर। नमस्कार, मैं बोल सकता हूँ? नेक्स्ट रक्षित जी, अजय चौधरी बोल रहा हूँ बर्लिन से। जी प्लीज, नेक्स्ट आपसे पहले रक्षित जी है, इसके बाद आपका क्वेश्चन। सर नमस्ते, बहुत अच्छा लगा इस मीटिंग को ज्वाइन करके। मैं एक स्टूडेंट हूँ और जब भी मैं इंडिया में न्यूज देखता हूँ या वीडियोस देखता हूँ सोशल मीडिया पे, मुझे एक चीज तो क्लियर हुआ है कि जो एंटी नेशनल एलिमेंट्स है उन लोगों को, हमारा जो माइनॉरिटीज है उनको रेडिकलाइज करना है। सो दिस इज वेरी क्लियर मैसेज फ्रॉम देम, बट मेरा लाइक आई थिंक वो लोग ये नहीं सोच रहे कि माइनॉरिटी को रेडिकलाइज करने के चक्कर में ये लोग मेजोरिटी लोगों को भी रेडिकलाइज कर रहे। अगर माइनॉरिटी लोग रेडिकलाइज हुए ठीक है,
दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, लेकिन मेजोरिटी लाइक अगर रेडिकलाइज हुए सो दैट वुड बी अ लाइक वेरी बिग प्रॉब्लम. हम ये समझा सकते हैं इनको, ये लोग लाइक बहुत गलत ट्रैक पे है. आप ये कहना चाहते हैं, आपका कहना ये है कि भारत के 100 करोड़ हिंदुओं को कोई रेडिकलाइज कर रहा है, और क्योंकि माइनॉरिटी ऑलरेडी रेडिकलाइज है, तो आप ये कह रहे हैं कि हिंदुओं को रेडिकलाइज नहीं होना चाहिए. हिंदू रेडिकलाइज कब हो रहा है? ये आपको इसलिए लग रहा है कि आपको सच सुनने की आदत नहीं है, इसलिए आपको लगता है कि इस देश में हिंदू को रेडिकलाइज किया जा रहा है. हिंदू को मैंने आपसे इतनी देर तक बातचीत की, क्या मैंने आपसे ये अपील की कि आप हथियार उठाइए और मुसलमान को मार दीजिए? मैंने ये आपसे अपील की? मैंने आपसे ये अपील की कि मुसलमानों को अपने पड़ोस में मकान मत दीजिए? मैंने अपील की? लेकिन इस देश का इतिहास बताता है ना, 1900 आज तो आप कह रहे हैं हिंदुओं को रेडिकलाइज किया, तो जब आप रेडिकलाइज भी नहीं थे, आप अपने संविधान को और देश को नहीं जानते थे, तो भारत का विभाजन हुआ तो 7.5 लाख लोग जो मारे गए उसका जिम्मेदार कौन है? आप ये कहना चाहते हैं कि जिसने मेरे पिता की हत्या की है, जिसने मेरी माँ के साथ रेप किया है, मेरी बहनों के साथ रेप किया है, मैं ये कहूं कि नहीं देखो ऐसा है, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था, हमें मिलजुल के रहना है, कैन यू डू दैट? वो अपने कुरान का हवाला देके कहें कि काफिर जो मेरे अल्लाह पे जिसका यकीन नहीं है उसका कत्ल जस्टिफाई है, आप उससे बात करेंगे, उसे नेगोशिएशन टेबल पर ले जाएंगे? और आप ये बात कहते हैं कि हिंदू को रेडिकलाइज किया? हिंदू तो रेडिकलाइज हो ही नहीं सकता, उसका डीएनए रेडिकलाइज नहीं हो सकता, इसलिए गलतफहमी में को मत जाइए. जो फैक्ट पे बात करे वो रेडिकलाइज नहीं होता. मैं आपसे फैक्ट पे बात कर रहा हूं, मैं कुरान पे बात कर रहा हूं, मैं संविधान पे बात कर रहा हूं, मैं रेफरेंस दे रहा हूं, मैं डेट दे रहा हूं, किताबों के नाम बता रहा हूं, तो इसका मतलब है कि मैं देश को रेडिकलाइज कर रहा हूं. मैं देश को यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर जब मैं ये बोलता हूं तो मैं ये तो नहीं कहता कि हिंदू पढ़े तो संविधान मुसलमान क्यों नहीं पढ़ता है, वो तो छूने नहीं चाहता, वो अंबेडकर को क्यों नहीं पढ़ता है, वो गांधी को क्यों नहीं पढ़ता है, वो एनी बेसेंट की किताब या फ्यूचर पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया क्यों नहीं पढ़ता है? तो भाई मेरा कहने का सेंस ये है कि आप जब ये कहते हैं कि हिंदुओं को रेडिकलाइज, मैं आपको एक बात साफ कर दूं, आपको बता दूं, मैं भारत की संसद में रमेश भाई ये एक इंफॉर्मेशन बतौर बता रहा हूं, क्योंकि साहब ने सवाल पूछा है और स्टूडेंट हैं, नए हैं, युवा हैं, ये अपने बीच में जो स्टूडेंट्स हैं उन मुसलमानों से बात करें हिंदुस्तान के बारे में, और ये ऐसा बातचीत ना हो कि जिसमें ये सिर्फ दूसरे की बात ही रिसीव करें और अपनी बात कहें तो ये चुप हो जाए, अपने बारे में सच ना बता पाए. भारत की पार्लियामेंट में एक घटना घटी जिसका जिक्र नहीं बताया गया, मैं आपके सामने तथ्य रख देता हूं. 1937 में अली मोहम्मद जिना, आप सबको पता है कि 1930 में इलाहाबाद के मुस्लिम लीग के अधिवेशन में जिन्होंने भारत का तराना लिखा है, जिन्हें सर मोहम्मद इकबाल कहा जाता है, जिनके दादा सपरू थे, कन्वर्ट होके वो इस्लाम में आए क्योंकि उनके ऊपर तलवार रख दी तो सपरू ब्राह्मण ने कन्वर्ट हो गए और वो मोहम्मद इकबाल हो गए. सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि 29 दिसंबर 1930 को इलाहाबाद के माइनॉरिटी वो मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पहली बार मोहम्मद इकबाल ने कहा कि वेस्टर्न बॉर्डर पर जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं उन्हें अलग कर देना चाहिए, और पूरे देश में पाकिस्तान की बात हो ही रही थी. 1937 आते आते तक यह परवान चढ़ गई. तो आप मुझे बताइए कि जिन्ना ने ऑब्जेक्शन किया या नहीं किया? जब वंदे मातरम गाया गया तो यह हुआ कि जिन्ना ने ऑब्जेक्शन किया, और ये जो मुनाफिक मक्कार जो मक्का में पैदा हुआ था, जिसकी मां मदीने की थी, जिसका भारत से कोई लेना देना नहीं था, जिसके वालिद साहब मक्का के थे, वो भारत आता है 1888 में, और भारत में आने के बाद वो कहते हैं कि देखिए साहब मुसलमानों की भावनाएं जो हैं वो हर्ट हो रही हैं, उनके सेंटिमेंट्स हर्ट हो रहे हैं, लिहाजा वंदे मातरम को पूरा नहीं गाया जा सकता क्योंकि इसमें देवी देवताओं के नाम है, लेकिन हम उनकी 5 वक्त की अजान बर्दाश्त करते हैं क्योंकि हम मेजोरिटी में है. तो आपने भारत के उस वंदे मातरम के ऊपर एक कांग्रेस पार्टी और मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मुसलमान और मुस्लिम लीग के मुसलमानों की मिली भगत से आपने वंदे मातरम को कम कर दिया कि भाई इसके 2 स्टैंजा गाए जाएंगे.
लेकिन रमेश भाई जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है जो आज के आपके सारे व्यूअर्स को बताना चाहता हूं, मुझे बताइए कि 1947 से पहले किसने किसके साथ क्या समझौता किया, वो मान्य है क्या मेरे ऊपर? 1947 के बाद भारत का संविधान बना, भारत की संसद में भारत के रात के 12 बजे 14 अगस्त 1947 को आजादी की घोषणा हुई। वो आजादी की घोषणा एक लीगल डॉक्यूमेंट है, रमेश भाई है कि नहीं है? जरूर है। अगर वो लीगल डॉक्यूमेंट है तो मैं तो उसको मानूंगा। उससे मैं वही कह रहा हूं कि उससे पहले किसने किसके साथ समझौता किया, क्या किया, मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। आपको एक घटना बताता हूं और जो तमाम मेरे व्यूअर हैं वो सुने ध्यान से। भारत की आजादी की जब घोषणा भारत की संसद में की जा रही थी, उससे एक दिन पहले, हफ्ते भर पहले, भारत के गृह मंत्री सरदार पटेल ने एक टेलीग्राम भेजा और उस वक्त के बहुत मशहूर और बड़े और मारूफ संगीतकार को एक टेलीग्राम भेजा, रमेश भाई, और टेलीग्राम में यह कहा कि आपको दिल्ली आना है और आजाद भारत की संसद में जब आजादी की घोषणा हो जाएगी और विजनरी प्रधानमंत्री जब अपना विजनरी भाषण दे देंगे और आजादी की घोषणा कर देंगे तो भारत की संसद में आपको वंदे मातरम गाना है। कैन यू बिलीव दैट? उस संगीतकार ने पलट के फोन किया और सरदार पटेल से कहा कि मैं आऊंगा और वंदे मातरम गाऊंगा। रमेश जी और संगीता जी, ये नहीं बताया गया हमको, इसलिए मेरा गुस्सा है। उस आदमी ने कहा कि मैं आऊंगा, पूरा वंदे मातरम भी गाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। सरदार पटेल ने कहा अपनी शर्त बताइए। उन्होंने कहा मैं तभी आऊंगा कि इस खंडित भारत की संसद के अंदर मैं 22 लाइनों का और 9.25 मिनट का पूरा वंदे मातरम गाऊंगा। सरदार पटेल ने कहा आपकी शर्त मंजूर है। पंडित ओमकार नाथ ठाकुर को आजाद भारत की आजाद संसद में पूरा वंदे मातरम गाना गाया। मैं आजाद भारत की संतान हूं, मुझे नहीं पता 37 में किसने किससे क्या समझौता किया, किसने भारत की आजादी के साथ दलाली की, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं 47 की भारत की संसद में गाए हुए वंदे मातरम को पूरा सुनना चाहता हूं। लेकिन ये कहने की हिम्मत किसी में नहीं हुई। और जो भी वो दो स्टेंजा थे उसको भी जब भारत की संसद में गाया जाता है तो मुसलमान एमपी बीच में संसद के अंदर सत्र समाप्त होने के बाद जब वंदे मातरम गाया जा रहा था वो उठ के बाहर चला गया, बोले ये मेरे इस्लाम के खिलाफ। उसका नाम है शकीफुर रहमान वर्क। वो उत्तर प्रदेश में मुर्दा पास के पास एक जगह है संबल, जहां पेपरमिंट बनता है, वहां का है। इसलिए मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि मैं इस गलत फहमी में शिकार अपने जीवन नहीं बर्बाद कर देना चाहता कि मेरी नस्लें चली जाएं गले में हाथ डाल के घर वापसी के लिए। जिसको जाना है चला जाए, जिसको रहना है भारत की धरती पे, भारत की हजारों साल की संस्कृति को मानना होगा, भारत के पूर्वजों को मानना होगा। आपकी पूजा पद्धति क्या है वो आप जाने, लेकिन भारत की संस्कृति को गाली दे करके, भारत के पूर्वजों को गाली दे करके, भारतों के मंदिरों को तोड़ करके जो मस्जिदें बनी है उनके ऊपर आप खड़े होंगे, वो मान नहीं है। आप कितने भी बड़े सेकुलर हो, कितने भी बड़े कमनल हो, मुझे कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं है। लिहाजा मैं ये मानता हूं कि भारत को अगर सही मानों में भारत मानते हैं तो इस संविधान भारत को नहीं चलाता, संविधान सरकार वरकार के लिए है। मेरे लिए मां गंगा की आरती महत्वपूर्ण है, मेरे लिए पांच तत्व महत्वपूर्ण है। इसलिए हम ये कहें कि हम उन्हें लाएंगे, वापस आएंगे, मेरे पास समय नहीं है। इस देश में ये गलतियां बहुत लोग करते रहे हैं। मैं आप सबसे एक ही बात कहता हूं कि किसी को गाली मत दीजिए। एक बात का ध्यान रखिए, जिन साहब ने मुझसे ये प्रश्न पूछा है
मैं उन्हें बता दूं रक्षित जी को, रक्षित जी पूरी दुनिया का नियम है, आतंकवाद वही सफल होता है जहां मेजोरिटी करती है। ध्यान रखिएगा, माइनॉरिटी का आतंकवाद सफल नहीं होता है। जम्मू कश्मीर के अंदर जो आतंकवादी है वो इसलिए कि वहां मेजोरिटी मुसलमान है, इसलिए सफल हो रहा है। मैं बार बार इस देश की माइनॉरिटी से कहता हूं, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि इस देश में हजारों साल के अत्याचारों के बाद, बलात्कार, लूट, मंदिरों को तोड़ने, उनकी सभ्यता को नष्ट करने के बाद भी आज भी भारत का सनातनी हिंदू हिंसक नहीं हुआ है, रेडिकलाइज नहीं हुआ है। अगर ये रेडिकलाइज 5% भी हो गया तो मेजॉरिटी का रेडिकलाइजेशन पूरी की पूरी नस्लों को समाप्त कर देता है। लिहाजा भारतवंशी, भारत के सनातनी अपने सनातन को माने, और यही सनातन को मानते थे इसलिए पूरी दुनिया के लोग यहां आके बसे, किसी को रोका नहीं, किसी को मारा नहीं। लिहाजा हमने नहीं किया, इसलिए आज हमारी संस्कृति भी समाप्ति की ओर है, हमारी पहचान भी समाप्ति की ओर है। कश्यप ऋषि के वंशजों की कश्मीरी और वो जो जबान थी समाप्त हो गई। आज कश्मीरी पंडित पूरी दुनिया में बिखरे हुए हैं, वो बेचारे अपने बच्चों को अपनी संस्कृति नहीं बचा पा रहे। इन जो हमारे रक्षित जी हैं उनसे पूछिए, सालों साल उन लोगों ने उनके साथ बिताए हैं, जीवन उनके साथ जिया है हजारों सालों से। जब वो उन पड़ोसियों के नहीं हुए तो मेरे और आपके होने वाले हैं, जबकि उन्हें अलग अलग सुविधाएं प्राप्त थी। मैं इस काम के लिए न जीवन देने वाला हूं, और कोई अगर देगा तो अपनी शक्ति में उसे रोकूंगा जरूर, बाकी वो स्वतंत्र है। रक्षित जी करना चाहते हैं आप करें रक्षित जी, लेकिन मैं अगली नस्ल को इस बीमारी में नहीं बताना चाहता। हम सब बराबर हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, ये मजहबी है जो आपस में बैर सिखाता है, ये जो धर्म है ये जोड़ता है, धर्म जोड़ता है मजहब तोड़ता है, मजहब की किताब तोड़ती है पैगंबर तोड़ता है। लेकिन ये भी सत्य है कि मजहब जब पैदा होते हैं तो प्रकृति कहती है जो पैदा हुआ है उसका अंत होना भी है, इसीलिए इस्लाम और कुरान में कयामत का जिक्र है, हमारे यहां कोई जिक्र नहीं है। हम सूरज की पूजा करते हैं, हम पानी की पूजा करते हैं, हम पृथ्वी की पूजा करते हैं, हम वायु की पूजा करते हैं, और पांच तत्वों में अपने पुरखों को जो स्वर्ग को सिधार जाते हैं उन्हें विलीन कर देते हैं। हमारे यहाँ कोई कंसेप्ट नहीं है इस टाइप का, हम पूरी तरीके से साइंस पे रखे हुए हैं। किसी को लगता है कि धरती चपटी है तो कुछ लोग धरती चपटी पे जब चमगादड़ लटकती है तो वो समझती है कि धरती पूरी उल्टी कर दी है, ऐसे ही कुछ लोगों का मानना है। लिहाजा मैं अपना समय, अपने आने वाली नस्लों का समय उन बीमार लोगों को वापस लाने में नहीं करता, क्योंकि जर्मनी में भी है, फ्रांस में भी है, पुर्तगाल में भी है, वहां पे कोशिश क्यों नहीं करते आप लोग? ये सारा ट्रायल भारत के लोगों पे क्यों करना चाहते हैं भाई? हम इसे बचाने में लगे, आप कह रहे हैं उनको 35 करोड़ लोगों को हम सुबह शाम जाएं और बताएं कि भाई दवा खाओ, वो कहते हैं बच्चे पैदा करना अल्लाह मियां की देन है, अब आप क्या करेंगे? आप इतना समय है आपके पास, ये देश का सनातन वेंटिलेटर पे है और आप कह रहे हैं हम दवा का ईजाद करेंगे तब बचाएंगे? वी डोंट हैव टाइम सर, टाइम इज ऑलरेडी रनिंग आउट, I can't do that. If anybody wish to, they can, he or she can do. Thank you, sir. Next question. Namaskar, Pushpendra ji. Namaskar, Ajay Chaudhary बोल रहा हूँ बर्लिन से। कश्मीरी पंडित हूँ मैं। आपने हमारे लिए कितनी आवाज उठाई, हमारा पक्ष कितना जोरदार से आप बोलते हैं, इसमें संदेह है ये बात। मैं आपकी ये बात शायद ही आज के इस गैदरिंग में मैं ही हूँ जिन्होंने इन मुसलमानों को साथ अच्छा तरह स्टडी किया होगा। मेरा सवाल है कि जो अब गवर्नमेंट अपने एनडीए गवर्नमेंट या बीजेपी गवर्नमेंट, अगर आप यूनिफॉर्म सिविल कोड और पॉपुलेशन कंट्रोल अपना पार्लियामेंट में लाती है तो आप कैसे देखते हैं? एक तरफ तो मोदी जी और प्रेजेंट गवर्नमेंट इमरजेंसी के जबरदस्त खिलाफ बोला उन्होंने, 75 इमरजेंसी के खिलाफ, तो आप क्या देखते हैं? क्योंकि ये जो 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 अपने एडवर्सरीज है सारे मिट गए हैं, जिसमें अर्बन नक्सल्स है, हार्डलाइनर्स है, जिहादीज है, अपने कम्युनिस्ट है, जो भी है,
गवर्नमेंट ये सब इम्प्लीमेंट कर सकती है, ये दो खासतौर पर ये दो कानून? थैंक यू, नमस्कार। Yeah, this would be the last question actually. If anyone is having any more questions, please write the email actually. देखिए अजय भाई, एक तो आप एक चीज कहना बंद कीजिए कि पुष्पेन कुमार ने कश्मीरी पंडितों की लड़ाई लड़ी है। मैंने कोई लड़ाई नहीं लड़ी है अजय भाई, और जो दुनिया भर में मेरी बात सुन रहे हैं, कश्मीरी पंडितों की लड़ाई लड़के कश्मीरी पंडितों पे कोई एहसान नहीं किया है। मैं इस बात को साफ कर दूं, इसलिए कह रहा हूं, मैंने भारत को बचाने और दिल्ली को सुरक्षित करने के लिए कश्मीर की लड़ाई लड़ी है। कश्मीर वो जगह है जहां बहुल मुसलमानों के बीच में भारत राष्ट्र की परिकल्पना, भारत राष्ट्र की पहचान, उसकी आस्थाएं, उसकी परंपराएं, उसकी उपासना को, यानी भारत राष्ट्र क्या है उसको कश्मीरी हिंदू पंडितों ने कश्मीर में जिंदा रखा था। किसी कश्मीरी हिंदू पंडित की अपने उस मुसलमान के साथ कोई निजी दुश्मनी नहीं थी। कश्मीरी हिंदू पंडितों को इसलिए मार के भगाया गया, इसलिए इनके 2500 लोगों को मारा, क्योंकि ये कश्मीर में भारत का तिरंगे को सर पे उठा के चलते थे, ये भारत की पहचान थे, ये चलते फिरते भारत की परिकल्पना को जिंदा रखते थे, जिनको भारत से नफरत थी, जिनको भारतीय संस्कृति से नफरत थी, जो लोग अनंतनाग का नाम अनंतनाग न करके इस्लामाबाद लिखते हो अपनी दुकानों पर, वो लोगों ने कश्मीरी हिंदू पंडितों को मारा। और कश्मीरी के अंदर जो जगह है जिसे जम्मू कहते हैं, वो जम्मू जो इस्लाम का फलसफा है, गजवाए हिंद, उस गजवाए हिंद का रास्ता है, इसीलिए जम्मू से आने वाला आतंकवादी कोयम्बटूर में बम धमाका करता है, बनारस के हनुमान मंदिर में धमाका करता है, पटना में धमाका करता है। ये जो धमाके हो रहे थे, कभी रेलों में, कभी मेट्रो के अंदर, कभी प्रेशर कुकर, कभी ट्रांजिस्टर बम, ये मुझे बताइए बंद क्यों हो गए? क्योंकि जम्मू कश्मीर से जिन लोगों की ख्वाहिश थी, डिजायर थी, इच्छा थी कि हम गजवाए हिंद लाएंगे और भारत के अंदर इस्लाम का परचम फहरा देंगे, इस सरकार ने कुछ किया हो न किया हो, सरकार के ऊपर बहुत ज्यादा सवाल मत खड़े कीजिए। मैं जानता हूं कि सरकारें कैसे काम करती हैं, 25 साल तक इस पत्रकारिता के जीवन में पास से देखा है, सब कुछ जो आसान लगता है नहीं होता है। लिहाजा गजवाए हिंद के लिए जम्मू कश्मीर में जो रास्ता बंद किया है, आर्टिकल 35A हटा करके भारत से कश्मीर को जो जोड़ दिया है, ये 370 भारत को और भारत को जम्मू कश्मीर जाने से रोकती थी, भारत की सुप्रीम कोर्ट लागू नहीं होती थी, भारत की संसद वहां लागू नहीं होती थी, भारत का कानून लागू नहीं होता था, भारत के नियम नहीं लागू होते थे। लिहाजा धीरे धीरे सवाल खड़ा करिए। मैंने कहा 25 से 30 करोड़ लोग सिर्फ एक ही एजेंडे पे सुबह से लेकर शाम तक लगे हुए हैं कि कैसे इस देश की डेमोग्राफी चेंज करें, और वो दावे से कहते हैं कि 10 साल के अंदर भारत में प्रधानमंत्री हमारा होगा और ये राष्ट्रपति के भवन में जो रह रहा है वो बाहर होगा और हम अंदर होंगे। जो इस मानसिकता से कर रहा हो, आप समझते हैं कि वो डेवलपमेंट में उसका कोई लेना देना है? लिहाजा कश्मीर के पंडितों से मेरा कहना है कि अभी हाल में कुछ काम हुए हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ काम होते आज हैं लेकिन उसका असर कुछ दिन बाद नजर आता है, और ये एक्सपर्ट है। ये दोनों गुजराती और गुजरात के लोगों ने जो अपना प्राश्चित 1947 में गलती की थी उसका दो गुजराती भेज के किया है दिल्ली पे, और ये दोनों बिल्कुल उलट हैं। ये करने से पहले अपने अलावा किसी को बताते नहीं है, करने के बाद जब पता चलता है, जब लोगों को तकलीफ होती है तब पता चलता है 370 कैसे हट गई, 35A कैसे हट गई, राम मंदिर का फैसला कैसे आ गया। लिहाजा जो बात आपने कहा कि दो चीजें हैं, आप इंतजार तो कीजिए, हजारों साल के बाद पहली बार भारत की धरती पे एक कोई हिंदू राजा जीत के आया है जिसे अपने हिंदू होने पर गर्व है,
जिसे अपने सनातनी होने पे गर्व है, जिसे अपनी पूजा पद्धति पे गर्व है, जिसे अपने कपड़ों पे गर्व है। नहीं तो आपके यहाँ लोग तो टोपी लगा लेते हैं, आपके यहाँ तो लोग मस्जिद में चले जाते हैं। इसने कहा मैं हिंदू हूं, ये एक अलग बात है, मैं प्रधानमंत्री हूं, प्रधानमंत्री होके मैं कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करूंगा, लेकिन मेरी पूजा पद्धति, मेरी पहचान पर सवाल नहीं उठा सकते। वो देश के हजारों करोड़ों हिंदुओं को मैसेज दे रहा है, आप जिसके हैं आप अपनी पहचान से मत शर्माइए, एक बार सनातनी होके तो बनिए। इसलिए मैं सनातनियों से कहता हूं कि जो सनातनी है वो डर नहीं सकता, और जो डरता है वो सनातनी नहीं है। एक बार सनातनी सनातन का हाथ पकड़ ले, दुनिया में किसी के पैर छूने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लिहाजा ये दोनों कानून आएंगे, लेकिन मैं कोई सरकार का प्रवक्ता नहीं हूं, सरकार में डायरेक्टली इनडायरेक्टली नहीं हूं, लेकिन मेरा अपना कैलकुलेशन जो आर्टिकल 35 में था, उस कैलकुलेशन से मेरा मानना है कि ये मोदी के इसी काल में दोनों आने वाले हैं। थोड़ा सब्र कीजिए। थैंक यू सर। ये लास्ट संगीता जी, अब लास्ट क्वेश्चन ले लीजिए। ओके जी, ओके जी, क्योंकि ऑलरेडी बहुत हो गया क्वेश्चन, ईमेल। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन ले लेंगे। मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी से। पहला आप जरा कौन बात कर रहा है, आपका नाम? मैं अजय महल का हूँ, नीदरलैंड से। आई एम रिसर्चर हियर वर्किंग टुवर्ड्स कैंसर सेल एंड सिंथेटिक सेल्स। प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। एंड दिस, यस सर, कैन आई स्पीक? या प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन दिस पुष्पेंद्र जी, वी मेट मेनी टाइम ड्यूरिंग दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड आई हियर मेनी टाइम टू यू now since last 15 year here trying to be logical, illogical, sanatani, dharmi, adharmi, anything, what do you call? Yeah, one question. Okay. One question what I want to ask, you raise the Kashmir, you raise sanatani, you raise a lot of questions about how to build the nation on the thing. One question, why we never ask ourselves why Kashmir 70% people got converted in Muslim, and does the rest of the Muslim population in India are migrated from Iran, Iraq, why they got converted itself in Islam? First thing, and consequently, how we can stop the conversion in Chhattisgarh, Jharkhand going on for Christian missionary? We are talking about Islam, there are one questions, but Christian missionary are much bigger in power than what we are talking about the Islams and Islam forces. Thank you. आपका सवाल बहुत खूबसूरत है कि बहुत सारे लोग क्यों इस्लाम में कन्वर्ट हुए। हमने जितना इतिहास पढ़ा है उसमें तो हमको लगा कि जब जजिया से लोगों को बचना था तो इस्लाम में कन्वर्ट हो गए, कुछ तलवार से हो गए, कुछ पीर फकीरों से हो गए। लेकिन आपका जो क्वेश्चन का जो मूड पॉइंट है वो ये है कि क्रिश्चियनिटी में जिस तेजी से आपने झारखंड का, छत्तीसगढ़ का, इन जगह का नाम लिया, यहाँ जो कन्वर्जन हो रहा है उसके पीछे कारण यह है कि हमारे यहाँ जो हिंदू संगठन है उनकी अप्रोच जो है वो बड़ी सेलेक्टिव है और बहुत पावरफुल नहीं है उतनी। इसलिए मैंने कहा कि हम जब आप कन्वर्जन की बात करते हैं तो मैं दोनों कन्वर्जन की बात करता हूं, लेकिन मेरे सामने दूसरी चुनौती है। हम तमाम सारे लोग एक ऐसे समय में काम कर रहे हैं कि ऑलरेडी एक बहुत बड़ा 25-30 करोड़ मुसलमान के निशाने पे हैं। हम सब लोगों को थ्रेट डेली आती है, हमारे पास कोई सरकारी और किसी किस्म की सिक्योरिटी नहीं है। दो तीन बार कुछ कुछ लोग ऐसी गैदरिंग में आ भी गए, उनको ऑन द स्पॉट पकड़ भी लिया गया। हम दोनों फोर्सेस को ज्वाइंट नहीं करना चाहते हैं। एक आपको प्यार से कन्वर्ट कर रहा है, एक तलवार से कन्वर्ट कर रहा है, एक मारपीट के कन्वर्ट कर रहा है। या नहीं, तमिलनाडु के अंदर कोरोना के दौर में एक मस्जिद में खाना बांटा जा रहा था, वहां हिंदू भी बेचारा चला गया। उन्होंने कहा नहीं, पहले कलमा पढ़ो तब हम तुम्हें खाना देंगे। लेकिन छत्तीसगढ़ झारखंड के अंदर तो उसका नाम है, आदिवासी का नाम है राम प्रकाश, लेकिन उसको क्रॉस पहना दिया गया है। तो दोनों एजेंडा एक ही, लेकिन उनके पास एक्सेस ऑफ मनी है,
एक्सेस ऑफ मनी है, उस मनी के वजह से आप करोड़ों करोड़ों रुपया इस पे खर्च हो रहा है। तो हमारे यहां आपको बता दूं विद ड्यू रेस्पेक्ट अजय भाई कि हमारे यहां एंटी कन्वर्जन लॉ का इतना भयानक विरोध हो रहा है, इतना भयानक विरोध हो रहा है कि एक छोटी सी घटना के बाद मैं अपना सवाल खत्म करता हूं। मुझे लगता है कि ऑर्गेनाइजर्स शायद ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। एक भारत में राजस्थान की गवर्नर थी, उनका नाम था प्रतिभा पाटिल, और उस वक्त राजस्थान की मुख्यमंत्री थी वसुंधरा राजे सिंधिया, जो भारतीय जनता पार्टी की थी। वसुंधरा राजे ने एंटी कन्वर्जन बिल असेंबली में पास करके गवर्नर के पास भेजा। सेंटर में कांग्रेस की सरकार थी। आप सोचिए कि पूरे दो साल तक वो गवर्नर, क्योंकि वो कांग्रेस की अपॉइंटी थी, सोनिया गांधी ने उनको बनाया था, दो साल तक उन्होंने उस बिल पे साइन नहीं किया, और उसी के रिवॉर्ड में उन्हें राष्ट्रपति बनाया गया, उसी के रिवॉर्ड में राष्ट्रपति बनाया गया। तो जब देश की सत्ता की शीर्ष पे जो लोग हों, और चोर और लुटेरे वो लोग हों जिन्होंने इस देश में एनजीओ बना बना करके चाइना के साथ में संपर्क साध लिया हो, इस देश में विदेशी ताकतों के साथ संपर्क साध लिया हो, आप उन ताकतों से एक साथ नहीं लड़ सकते। आप पूरे देश की दुनिया की क्रिश्चियन लॉबी को भी और पूरे इस्लामिक वर्ल्ड को भी, और आपके मुल्क में क्रिश्चियन लॉबी जब यहां से गई थी तो आपकी पार्लियामेंट में दो सीटें एंग्लो इंडियन के लिए छोड़ गई थी। आज भी भारत में चर्चों के पास नंबर तीन की जमीन है, भारत की जमीनों पर इतने चर्च बने हुए हैं, जमीन आपके पास नहीं, मुसलमानों के पास नंबर दो पे जमीन है। तो भाई आपकी सरकार आ जाने से जमीन आपकी नहीं हो रही है। लिहाजा इस देश का हिंदू जो बहुत आसानी से कंप्रोमाइज कर लेता है, जल्दी बिक जाता है, जल्दी भ्रष्ट हो जाता है, ऐसे में ये दोनों चीजें जो हैं ये बहुत ताकत के साथ हो रही हैं। लेकिन हम एक कन्वर्जन को इसलिए रोक रहे हैं कि वो एग्रेसिव हो रहा है, वो दूसरा कन्वर्जन ये है, वो भी है, लेकिन एक साथ दोनों के खिलाफ लड़ने से क्या विश्वभर में मोदी के लिए आसानी होगी, किसी प्राइम मिनिस्टर के लिए आसानी होगी? मदर टेरेसा यहीं पैदा होती है, सऊदी अरब में नहीं होती, पाकिस्तान में नहीं होती, और हमारे यहाँ भारत दिया जाता है, और भारत के कई कई मुख्यमंत्री वहां जाते हैं। हमारे यहाँ झारखंड का मुख्यमंत्री अजीत जोगी कन्वर्ट हो गया, पता ही नहीं चला, मरने के बाद पता चला वो तो कन्वर्ट हो गया है। कई कांग्रेस में लीडर है जो कन्वर्ट हो गए, क्योंकि उनको पैसे का लालच ने उन्हें अपने उन संस्कारों से दूर कर दिया है। इसीलिए मैंने कहा कि जब मैं सनातन की बात करता हूं, हिंदुत्व की, अगर आपकी रूट मजबूत होगी तो आपको कोई पैसे से नहीं खरीद सकता। भाई हम बिक जाते हैं जल्दी, हम कमजोर लोग हैं, इसलिए ये, और उसका सत्ताओं ने फायदा उठाया, और 10 साल तक इस देश में माइनॉरिटी के एक प्रधानमंत्री ने और एक उससे भी जो छोटी माइनॉरिटी थी उसने देश को चलाया। लेकिन इस देश में कहा जाता है बहुसंख्यक समाज, सिख, सरदार मनमोहन सिंह माइनॉरिटी है देश में 2.5%, वो प्रधानमंत्री ने, लेकिन वहां जब उन नरेटिव आएगा तो उनको माइनॉरिटी नहीं माना जाएगा, लेकिन वैसे वो माइनॉरिटी कमीशन के अंदर है, क्रिश्चियन माइनॉरिटी में है, लेकिन सोनिया गांधी क्रिश्चियन होने के बाद देश चला रही थी। 10 साल तक इस देश की दो माइनॉरिटी ने देश चलाया, लेकिन ये नहीं माना जाएगा, ऐसा भी अल्पसंख्यकों ने चलाया, तब भी कहा जाता था हिंदू हिंदू। तो ये नरेटिव की बात है। आपने कहा कन्वर्जन, मुझे लगता है जो मेरी इंफॉर्मेशन है एंटी कन्वर्जन लॉ भारत में तैयार है, लेकिन यहां आपकी जर्मनी की, अमेरिका की, इंग्लैंड की, ऑस्ट्रेलिया की, न्यूजीलैंड की, जो दुनिया में भारतीय हैं, उनकी जिम्मेदारी यह है कि भारत में चाहे ट्रंप हो, चाहे जॉन हो या दूसरे लोग हो, आपको अपनी ताकत से जब भी भारत ऐसी कानूनों को बनाए तो ये देश जिस तरीके का दबाव बनाते हैं भारत पे, जैसे आर्टिकल 370 हटाया तो बहुत सारे देशों ने सवाल उठाया, लेकिन अमेरिका ने, इंग्लैंड ने, जर्मनी ने, फ्रांस ने, ऑस्ट्रेलिया ने भारत के इस मुद्दे पे कोई सवाल नहीं खड़ा किया। तो हमारे यहाँ ताकतें अपना मुंह ज्यादा नहीं खोल पाई, तब भी उन्होंने विरोध किया। सीएए का कानून बना तब भी विदेशों में, आज विदेशों में सीएए के नाम पे ज्यादा राजनीति हो रही है। तो विदेशी ताकतें भारत को जब कमजोर करती हैं तो इंटरनल लोगों को कैसे हवा देती हैं? लिहाजा हम अभी 70 साल के बाद पहली बार चप्पल पहन के खड़े हुए हैं, लिहाजा हम इतने ताकतवर नहीं हैं कि एक साथ सबको हम अफंड कर दें। हमें देश भी चलाना है, हमें देश के अंदर सवाल भी बहुत से खड़े होने हैं, यहाँ मानवता का ठेका लेकर के कुछ लोग आ जाते हैं। लिहाजा मैं मानता हूं कि ये हो रहा है, ये पता है, लेकिन इट विल टेक टाइम,
एंटी कन्वर्जन लॉ आने के बाद में कन्वर्जन के बारे में इतने सख्त नियम है कि तब नहीं होगा, लेकिन हिंदू संगठनों को भी अपनी कार्य पद्धति को बदलना होगा कि कैसे इंग्लैंड से, कैसे अमेरिका से एक अंग्रेज आकर के उस भोले भाले आदिवासी को कन्वर्ट कर लेता है, और हम जहां हजारों हजारों मंदिर हैं, लाखों लाखों अरबों खरबों रुपया मंदिरों पर चढ़ता है, क्या मंदिरों के दरवाजे इन आदिवासियों के लिए नहीं खोले जा सकते? क्या उन दलितों के लिए नहीं खोले जा सकते कि ये मंदिर रात भर खुलेंगे और कोई भी भूखा दलित आदिवासी अगर मंदिर में रात के 4 बजे भी आएगा तो वो भूखा नहीं जाएगा, सिर्फ उसकी एक वक्त की भूख की वजह से वो कन्वर्ट हो जाता है। तो हिंदू समाज को भी, सनातनियों को भी आत्ममंथन करना चाहिए कि हमने मंदिरों पे अरबों खरबों का चढ़ावा तो चढ़ाया है, लेकिन ये चढ़ावा क्या उस गरीब को रोटी दे पा रहा है जो हमारे हिंदुओं का हिस्सा है, जो सनातन का हिस्सा है, वो भीड़ में पीछे रह गया है, उसे कैसे मजबूत करें, उनको भी सोचना चाहिए। सर थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, उपेंद्र जी आपका मन लेक्चर जो सुना ऐसा लगता है सुनते ही जाए, और आपने हमारी सबकी आंखें खोली हैं, और चूंकि हम सब एक ही लाइन में काम कर रहे हैं तो आपसे अब संपर्क होता ही रहेगा, आज बिल्कुल बिल्कुल होने की वजह से आपका हम लाभ कम ले रहे हैं, लेकिन फिर किसी दिन आपको तकलीफ देंगे, और आप जो काम कर रहे हैं हम तन से मन से और धन से आपके साथ हैं, और किसी तरह से भी आप ये ना समझिए कि हम आपसे पीछे हैं, आप बिल्कुल साथ हैं, कंधा से कंधा मिला करके आप फिर हमसे मिलेंगे, हमारे पास शब्द नहीं है कि हम किस तरीके से आपका शुक्रिया अदा करें, धन्यवाद दें आपको, आपको शुक्रिया नहीं अदा करना है, ये मेरी जिम्मेदारी सर, दिल्ली में आप कहाँ पर रहे, ये मेरी जिम्मेदारी है, ये मेरा कर्तव्य है। यस, अब हमारे वाइस प्रेसिडेंट विपिन जी वोट ऑफ थैंक्स देंगे, उसके बाद ओम के बाद हम सब विदा लेंगे। विपिन जी नमस्कार, पुष्पेंद्र जी नमस्कार, आपने इस कठिन समय में हमारे विश्व हिंदू परिषद के लिए, जर्मनी के लिए समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और यहाँ उपस्थित सभी लोगों की तरफ से, सभी बहुत से जो लोग जुड़े हैं उनकी तरफ से भी मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, उन लोगों का भी धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने अपना बिजी समय में से कुछ समय निकालकर विश्व हिंदू परिषद जर्मनी के इस प्रोग्राम को अटेंड किया। प्लीज सब लोग अपना नंबर्स, ईमेल्स हमारी चैट में लिख दें ताकि आगे से आने वाले अगले प्रोग्राम्स की जानकारी भी आपको दी सके, धन्यवाद। रमेश भाई साहब, मैं रविदेव गुप्ता आपको नमस्कार करता हूं, और पुष्पेंद्र जी से किसी समय जरूर भेंट करूंगा मैं, आप उनको बता दीजिएगा, मेरा परिचय दे दीजिएगा उनको, मैं सुन रहा हूं आपको। संगीता जी लगता है कि प्रोग्राम को अभी फॉर्म किया जाए,